जैसे मैं, आप जो बोल रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा दूँ। यस सर। आप बोल रहे हो कि जैसे आप यहाँ पे RSI 30 पे बाई करती हो बॉटम पे, राइट? यस हाँ। उसके बाद फिर आपको कहीं बेचना है इसको मिडल ऑफ दिन, ठीक है? यस ओके। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे लेट मी टेल यू कैसे। हाँ, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन बॉटम पे एक्सटेंशन। आप तो मिडवे पे सेल कर सकती है मैम, RSI 50 पे। हाँ ओके। नहीं, नहीं नहीं नो मैं डाउट। हाँ पहले मुझे यस कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, सर, यस सर, अगर मिडवे पे आप सेल कर सकती है RSI 50 पे, या फिर अगर आपको दिख रहा है कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जैसे आपने यहाँ पे बॉटम पे बाई किया था, लेकिन आपको पता है हाँ जब अगली बार ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल है, जहां से स्टॉक एक तो कंसोलिडेट हो सकता है फिर नीचे गिर जाए, राइट? तो आप उस ओके। रेजिस्टेंस से पहले पहले बेच सकती है। अच्छा, ओके हाँ, सर, या फिर आपको RSI 70 तक वेट करना चाहिए, जो ओके। नॉर्मल ट्रेंड रिवर्सल का पॉइंट है वहां तक के। अदरवाइज एनी अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो आप उससे पहले आप सेल कर सकती है। ओके हाँ सर, तो इसमें वीवैप का कोई हाँ जनरली मतलब जनरली मैडम एग्जिट कहाँ करना है ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, बिकॉज वॉइस नहीं सर, मुझे नहीं वो आ रही है मेरी। कंफ्यूजन। एम आई नॉट ऑडिबल? यस सर, आ रही है सर। आवाज आ रही है आपको? अदर गाइज यस आर गेटिंग माई वॉइस? यस सर, आर के यस वी आर गेटिंग हाँ, आवाज आवाज सभी को आ रही है? नो सर जी, आप अपना माइक, क्लियर। आप अपना वॉइस सेटअप चेक करिए, आपको वॉइस आ रही है नहीं। ओके, यस यस तो या सो लेट अस गो हियर। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट अगर आप बॉटम पे अगर आप बाई कर रही हो यहाँ पे RSI 30 पे, तो आपको पता है सपोर्ट पर था, रिवर्सल आएगा यहाँ से, ठीक है? हाँ सर। अब एक तो आप बेच सकती है RSI 50 पे, मतलब मिड पॉइंट पे, जब स्टॉक में 20 RSI 50 मतलब 20 ऐसे में ब्रेकआउट। ओके, या फिर आप बेच सकते हैं कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर अवेलेबल है वहां पर, वहां से एक तो स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है फिर नीचे भी गिर सकता है, तो आप वहां पे एग्जिट कर सकती है, ये सेकेंड पॉइंट है। ओके हाँ, और तीसरा जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है न, हाँ आप RSI 70 तक के वेट करिए, जहां पे फिर रिवर्सल आ सकता है इस पॉइंट तक के, RSI 70 तक ओके के, ये भी आप कर सकती है। ओके। तो इसमें वीवैप का क्राइटेरिया नहीं लगाना है सर? नहीं, प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या? जनरली ये क्वेश्चन बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कोई पूछता नहीं है ऐसा कि मैं प्रॉफिट कहाँ पे बुक करूँ। नहीं, जनरली प्रॉफिट जैसे कि किसी ने बाय कर लिया है, अब उसको पता ही ऊपर जाने वाला है, तो प्रॉफिट जनरली रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बुक किया जाता है कि भाई अगर मैं 2% का रिस्क लेना चाहता हूँ यहाँ पे तो मेरा टारगेट 4% का रहेगा, तो जनरली रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया जाता है, ना कि कहाँ पे मैं बुक करूँ। तो अगर आप चाहते हो सर। तो कोई रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है तो वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए, RSI 70 में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर RSI 50 पे। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है, बस वो वीवैप का था, वीवैप का देखना नहीं है सर फिर डेली इसमें। वीवैप को आपको डे ट्रेडिंग पे यूज करना चाहिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, ओनली फॉर डे ट्रेड। और स्विंग के लिए क्या करना वो है क्या सर? हो रहा है, प्राइस जो रहती है ना, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है वो, है ना? तो आप डे कैंडल पर देख रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे का वॉल्यूम आपके पास में है, एट द एंड ऑफ द डे की प्राइस आपके पास में, तो वो ऐसे टच करते हुए ही जाएगा वो। हाँ, जब आप 10 मिनट में आप देख रहे हो, 5 मिनट में आप देख रहे हो, तो कभी कभी प्राइस में स्पाइक आता है, क्या उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है क्या, तो वहां पे वेरिएशन आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन डे कैंडल पे ऑन एन एवरेज प्राइस आपके पास है और वॉल्यूम भी आपके पास है पूरा दिन का, तो वो ऐसे टच करते हुए ही जाएगा वो। हाँ, प्लीज आप स्क्रीन पे लिखिए मत, प्लीज डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो आज हम लोग दो चीजें डिस्कस करने वाले। देखिए, ये रेगुलर क्लास नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास। ओके, दिस इज द क्लास फॉर शॉर्टकट। अगर आपको क्विकली मंडे से ट्रेड प्लेस करने और प्रॉफिट बुक करना शुरू करना है, तो उसके लिए क्लास है जहां पर मैं स्कैनर डिस्क आई डिस्कस हियर द स्कैनर प्लस द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके, और उस स्कैनर को यूटिलाइज कैसे करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन में और स्विंग ट्रेडिंग में, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आपका जो फुल कोर्स का जो क्लास चलता है वो संडे को चलता है। संडे ही विल टीच यू
फ्रॉम कैंडलस्टिक एनालिसिस अप टू द ऑप्शन ग्रिड्स, ओके एवरीथिंग विल बी कवर्ड टुमारो। बट ये क्लास एक उसके लिए है जिसको एक बिल्कुल बूस्ट अप चाहिए ट्रेडिंग में, ओके तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजी की। मैं यहां पे कोई ऐसा, इज देयर एनीबॉडी हियर, एनीबॉडी हियर हैविंग मोर देन 2 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस? कोई यहां पे जो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट में? ओके सो सी, ओके सी शिलम, यू हैव द एक्सपीरियंस, ओके सो व्हेन यू सी द ग्राफ, व्हेन यू सी एनी स्टॉक एट द अर्ली मॉर्निंग 9:15 AM, ओके what variation you see in the price early morning, please tell me. Mute all please. Sir, suddenly spike aata hai agar wo scanner mein agar show ho raha hai first se leke, okay so 9:15 am pe exactly hota kya hai price ke andar? If anybody doing day trading, having good chart trading experience, he can tell me. The movement actually movement बहुत costly होता है, either it is go upward or downward. हाँ, जो आपका I think आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जो 9:15 पे अगर कोई ऐसा stock है जिसकी market में news चल रही है, market में news है, कोई deal हो गई या कोई बैड न्यूज है, अदरवाइज उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ओके तो ऐसा स्टॉक जनरली मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है। एक तो ये 4-5% बढ़ जाता है या फिर गिर जाता है नीचे, तो इस स्टॉक के अंदर में 3 सिनेरियो फॉर्म हो सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो 9:15 आपने देखा होगा, 9:15 पे जैसे मार्केट खुला, अगर कोई स्टॉक की अर्निंग रिपोर्ट आई है या कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो वो एक तो क्या होगा, अचानक स्पाइक करेगा पहले कैंडल पे, करेक्ट? तो पहला सिनेरियो यहाँ पे केस वन क्या बनेगा, यहाँ पे अचानक स्पाइक करना शुरू कर देगा बिल्कुल आर पार, मतलब 2% अगर पॉजिटिव गैप अप हुआ है तो 7% या 6% पे जाके रुकेगा। ये पहला सिनेरियो होता है कोई भी स्टॉक का, ये पहला केस है। अब दूसरा केस कौन सा बनता है, Can anybody tell me please? दूसरा केस ऐसा बनेगा, अर्ली मॉर्निंग स्पाइक करेगा 9:15 को, राइट, और उसके बाद पूरे दिन भर गिर जाएगा वो स्टॉक, राइट, ओपन हाई बना के, हाँ ओपन हाई बना के स्पाइक करेगा और फिर पूरे दिन भर गिर जाएगा। ये सेकेंड केस है, ये भी आपने देखा होगा कई बार, करेक्ट, ये भी उसमें हो सकता है, सॉरी बाटा इंडिया में, सर हाँ बाटा इंडिया में हुआ था। तो किसी में अगर स्पाइक आता है तो अचानक गिरना शुरू कर देगा वो, the same notice in Navin Floor also 2-3 days back, this is the second case where you get the spike early morning on a 5-minute time frame and then stock started falling down only, continuously falling down, second case, ये भी उसमें हो सकता है, the stock which has good news in the market plus maybe there is a quarterly result, it may happen with this stock also. First case open good 2% and then rocking up to 6-7%, this is the case. And now what is the third scenario that you see? Can you tell me the third scenario? Open high, okay sir, sideways. पहले सेकंड जो स्पाइक मार के देखो सर, ओपन इक्वल टू लो होके फिर स्पाइक मारता है। देखो नहीं, पहला ऐसा सीनियर आपने देखा होगा, एक स्पाइक किया राइट 9:15 to 9:20, उसके बाद 2-3 रेड कैंडल दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर घूम के जाता है ऊपर, है ना, हाई को ब्रेक कर देता है, कभी ऐसा देखा है? यस सर, हाँ मतलब पहले स्पाइक किया एंड देन 2 रेड कैंडल दिखाएगा 9:30 बजे तक, उसके बाद फिर घूम के जाएगा और ये हाई को ब्रेक करके फिर 3-5% का गेन दे देता है। सेम यस्टरडे डूइंग बैंक निफ्टी सर, तो वो मूविंग एवरेज को टच करके फिर वापस चला जाता है।
तो फर्स्ट केस दैट इज द स्पाइक, स्पाइक इज डायरेक्टली स्पाइक एंड देन स्पाइक एंड द फॉल एंड कंप्लीट फॉल फॉर रेस्ट ऑफ द डे, स्लीपिंग फॉल, बिग फॉल एंड स्लीपिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ओके, एंड द स्पाइक अर्ली मॉर्निंग, बिट ऑफ करेक्शन एंड देन कम बैक. So the strategy that we are building will give you the profit in this first case and the second case. This case we will get the loss. In this case too, if there is a very very large correction after that comeback, then we will get the stop loss. Correction accepted, if it is 230, it is gone up to like 228, then we are getting the comeback. That's okay. Sorry. Okay. So can we find this kind of stocks in your scanner? Please, please. Let me proceed step by step. Okay. So everybody understood this scenario. You must have seen it while trading in the live market. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, okay. Sir. Now come back to the strategy. So I have been executing this one for a week and the result is good. Result is good actually. When sometimes I execute in the cash, sometimes I execute in the option, but this is for the option. Those don't have time, want to execute early morning at 9:16. This is for that. So yesterday I executed the Ramco Cement. Yesterday I executed Ramco Cement. Before that, I executed the this one, which it is Astral, right? Astral. Anybody observed Astral on May 16? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Astral में धमाका हो गया था बिल्कुल, है ना? उसके बाद का धमाका हुआ Ramco Cement में. तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक हमको पकड़ने हैं. ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक हमको पकड़ने हैं और उस पर ट्रेड लगाना है. और जब जहां तक कैंडल स्टिक की बात है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कौन से तीन सिनेरियो बन सकते, विच थ्री सिनेरियोस कैन बी फॉर्म्ड इन द लाइव मार्केट, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. सो नाउ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द स्ट्रेटजी. अगर कोई ऐसा भी आता है स्पाइक और बाद में नीचे गिरना शुरू कर देता है, अगर फिर रकम बैक करता है, तो ये भी स्ट्रेटजी के बाद टेकन केयर. लेकिन ऐसा अगर बन गया, सीधा फॉल आ रहा है, स्पाइक करने के बाद लगातार फॉल आ रहा है, तो यहां पर आपको कोई नहीं बचा सकता. यहां पे तो स्टॉप लॉस हो गए होगा और स्टॉप लॉस को बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉस विल बी वेरी बिगर. यहां पे अभी तक एक लॉस मिला है 14 रुपीज का. ओके, तो ये स्कैनर है. दिस इज द स्कैनर दैट वी यूज फॉर द डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड द ऑप्शन ट्रेडिंग. For all the executions, day trading, option trading and the swing trading, I use the same scanner. Okay? और मैंने आप लोगों को वॉचलिस्ट देके रखी है ऑप्शन ट्रेडिंग की. जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, आज या कल ज्वाइन किया है, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पर वॉचलिस्ट को शेयर कर देता हूं. हाँ, दिस ओके. सो दिस इज द ऑप्शन ट्रेडिंग वॉचलिस्ट फॉर यू, ओके, दैट यू कैन यूटिलाइज. बट जो स्ट्रेटजी हम आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें इस वॉचलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है. बट जो प्रीवियस स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई थी, दैट आई विल कवर नेक्स्ट वीक ऑल्सो. दिस ऑप्शन ट्रेडिंग वॉचलिस्ट फॉर दैट ओनली. तो आई एम पेस्टिंग हियर अगेन. और ये जो स्कैनर है, इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे वापस से. जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, ये स्कैनर है, यहाँ से स्टॉक निकल के आएंगे जिस पर आप डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं. ओके, हेलो, मैं शेयर कर देता हूँ. आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव गॉट द स्कैनर लिंक, जिन्होंने ये ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है. ओके, तो ये जो वॉच ऑप्शन ट्रेडिंग वॉचलिस्ट है, इसको आप ओपन करोगे गूगल ड्राइव में, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है आपको इसमें सीएससी फाइल में. ओके, एंड देन यू गो टू द प्लेटफॉर्म ऑफ चार्टिंग, और यहाँ पे वॉचलिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है.
वॉचलिस्ट, उसके बाद क्रिएट न्यू वॉचलिस्ट, के बाद आपको प्रोसेस को फॉलो करना है. ओके, नाउ रैमको सीमेंट. ओके, तो ये है स्कैनर जिसका हम इस्तेमाल करेंगे आज के स्ट्रेटेजी के लिए भी, और जो पुराने हमने जितने भी एग्जिट जो हमने प्रीवियस स्ट्रेटेजी सीखी उसके लिए भी. इट इज अ कॉमन स्कैनर. अब आप सभी को पता होगा जो मार्केट है वो सेटल कब होता है, 9:08 पे. प्री मार्केट, प्री मार्केट सेटल्ड एट 9:08 AM. और ये जो स्कैनर है ये आपको 9:10 पे, 9:10 पे टॉप में ऐसा स्टॉक आपको दे देगा जो मार्केट में आज ट्रेंड करने वाला है. अगर आप रेगुलर चेक करते हो आपने देखा होगा कल मॉर्निंग में कौन सा लेवल आता है यहाँ पे पहला, रामको आया था सर, रैमको ही था सुबह से शाम तक, मतलब ट्रेंड कर रहा था रैमको, रैमको सीमेंट था और रैमको सीमेंट पहला स्टॉक था. सॉरी बिरला, नहीं बिरला शॉप नहीं था, यू आर रॉन्ग, बिरला शॉप नहीं था, मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है, रैमको सीमेंट था. नहीं सर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बाद में बिरला शॉप में किया इसमें. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, जोर से बोलिए. टीम को नहीं, योर वॉइस इज कटिंग. मैंने जब 950 को चेक किया तो रैमको सीमेंट पहला था. हाँ रैमको सीमेंट, ओके. मैंने तो ये जो पहला, लेट मी कंप्लीट द थिंग, ये जो पहला स्टॉक आ रहा है इसको आपको टारगेट करना है. ये पहला जो स्टॉक आएगा ना यहाँ पे ये ट्रेडिंग सिस्टम से, और ये स्टॉक आपके पास 9:10 अवेलेबल रहेगा यहाँ पे. स्कैनर को देखा 9:10. योर वॉइस, आपकी वॉइस कट हो रही है, आप बाद में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. तो 9:10 पे यहाँ पर आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, आपको डीमेट में ऑर्डर लगाना है, सीधा डीमेट में सीधा ऑर्डर लगाना है. अब मैं आपको स्ट्रेटेजी क्या रहेंगे वो बताता हूँ. आपका ट्रेड 9:15 अगर 20 सेकंड को एग्जीक्यूट होता है तो बहुत अच्छी बात है. आपके डीमेट में ट्रेड 9:15 को अगर एग्जीक्यूट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन की जो प्राइस है वो अपडेट होती है 9:15:10 पे. और ये ट्रेंडिंग स्टॉक है तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी क्विकली रन करेगा ऊपर की तरफ. ठीक है सर, इसको मार्केट, सर इसको मार्केट ऑर्डर में प्लेस करना है या लिमिट ऑर्डर? नहीं नहीं नहीं, आप कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करते हैं? डन. सॉरी डन डन. ओके, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है. जो भी डिमांड अकाउंट यूज करते हो, जीरोना जो है, जीरोना ओ धन है, कह रहा धन है, धन धन है. अच्छा, जीरोना जो है ना वो ऑप्शन के लिए लिमिट ऑर्डर अलाउ, मार्केट ऑर्डर अलाउ नहीं करता है, लिमिट ऑर्डर देता है वो. ठीक है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, बहुत ट्राई करना पड़ेगा. 9:15:15 से आपको ट्राई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको बाय कर लू मैं, क्योंकि प्राइस आपको देखेंगे 9, अगले ही एक सेकंड बाद देखेंगे 10, फिर 11, फिर 12, ऐसा फ्लक्चुएट होते रहेगा ये. तो अगर आपको दिख रही है 9 ना, तो आप 9.50 या 10 का आप ऑर्डर लगा देना तुरंत, आपको बाय होना चाहिए उतने तेजी से. वो ऑप्शन में जीरो डाने मार्केट ऑर्डर ब्लॉक करके रखे, खाली लिमिट ऑर्डर अवेलेबल है. तो रैमको सीमेंट 9:15:15 तो बहुत अच्छी बात है. सॉरी बाकी किस में मिलते हैं क्या, मार्केट ऑर्डर धनबिन में वगैरह अवेलेबल है क्या? सॉरी स्टॉक्स, सर स्टॉक्स में अवेलेबल है क्या बाकी? हाँ स्टॉक्स में मिलता है, स्टॉक्स में मिलता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी में मार्केट ऑर्डर अलाउ रहता है. सर ऑप्शंस में मार्केट ऑर्डर अलाउ नहीं करता. सॉरी कौन से इसमें बजट, बट कौन से ऐप में? कोई भी ऐप में जाओ आपको स्टॉक और बैंक निफ्टी में मार्केट ऑर्डर अलाउ रहता है. सर स्टॉक ऑप्शंस में मार्केट ऑर्डर कहीं पे अलाउ नहीं करता, कहीं पे अलाउ नहीं रहता, वो नहीं रहता है.
उसमें लिक्विडिटी इशू रहता ना एक्चुअली. यस सर. लिक्विडिटी इशू रहता है वो. वी विल एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट स्टॉक ओके एट 9:15:15 सेकंड. अगर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो गया इवन 9:15:30 सेकंड में भी एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है. आपका बहुत सही प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा वो. हेलो सर. हेलो सर. Now what next? What next then? After that, what we are going to do in this? आवाज बहुत आ रही है सर. एक तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो स्पाइक आएगा, ये जो स्टॉक आया ना इसमें स्पाइक आएगा या फिर पूरा गिर जाएगा. तो इस केस में आपका एसएल ट्रिगर होगा. और दूसरी केस में स्पाइक आएगा, थोड़ा गिरेगा नीचे एक दो रेड कैंडल और फिर स्पाइक करना शुरू कर देगा. सर प्लीज कंफर्म ऑन ग्लेनमार्क फार्मा सर. सॉरी ग्लेनमार्क फार्मा पे प्लीज एडवाइस करें सर. रिजल्ट आया उसका ग्लेनमार्क फार्मा. अरे आप फालतू की बात मत करो, अभी पहले हम ये चीज सीख रहे हैं. अभी समझ नहीं रही है स्ट्रेटजी. हाँ ओके. या फिर तीसरा स्पाइक. ओके द सेकंड केस, थर्ड केस. ओके अब ये तीनों केसों के हिसाब से हमको स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा. तो जहां तक मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ओके तो रैमको सीमेंट था प्री मार्केट में, ये जो सेटल हुआ था 798 पे सेटल हुआ था प्री मार्केट में. और मैंने इसका और आपको यहां पे इन द मनी या फिर एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना है ना. आपको 9:10 पे जो प्राइस दिख रही है प्री मार्केट सेटल की वो दिख रही है 798. तो आप जाके 800 का कॉल ऑप्शन बाय मत करो यहां पे, या फिर इन द मनी मत जाना, 790 का कॉल ऑप्शन मत करना. यहां पे आपको कॉल ऑप्शन करना है आउट द मनी का. अब आउट द मनी क्यों बोल रहा हूं मैं, वहां पे तो केवल टाइम वैल्यू होती है, लेकिन हम ऐसे स्टॉक को पाई कर रहे हैं जहां पर स्पाइक आ सकता है. और अगर ऑप्शन में ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें तेजी से स्पाइक आता है. अगर तेजी से स्पाइक आ रहा है तो जो आउट द मनी का जो प्रीमियम है 800 मान को चलो 820 का कॉल ऑप्शन, ये भी उतने ही तेजी से भागेगा जितना इन द मनी जा रहा है. और ये आपको परसेंटेज रिटर्न ज्यादा देगा, ये आपको परसेंटेज रिटर्न ज्यादा देगा. नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल. ओके तो अब ये रैमको सीमेंट है, इसकी मैं हाँ ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने लिया था 820 का कॉल ऑप्शन, ये मैंने ये वाला एग्जीक्यूट किया था 820 का कॉल ऑप्शन ये वाला. इसका ओपन कितना है 9.95 और लो भी 9.95 है. उसके बाद ये गया 33 तक के, लेकिन मैंने इसको बाय किया था 14 पे क्योंकि मेरा लेट एग्जीक्यूट हुआ था 9:17 पे बिकॉज मेरे सिस्टम में एरर आ गया था तो मैंने वापस इसको नहीं तो मुझे मिल जाता 11 रुपए पर एंड आई वुड हैव सोल्ड इट एट 19. तो मैंने इसको एग्जिट किया 19 पे, ये गया 33 पे, लास्ट क्लोज हुआ 28 पे. अब अगर आप देखोगे अगर एट द मनी कॉल ऑप्शन कौन थे यहां पर, ये वाले है 810 का कॉल ऑप्शन देखोगे आप तो. हाँ 800 का कॉल ऑप्शन, ये एट द मनी कॉल ऑप्शन है. ठीक है आपने देखो इसको 19.95 से बाय हुआ, ये एंड ओपन हुआ और इसने लो लगाया 17.60 का. अब जो आउट द मनी कॉल ऑप्शन है वो तो 820 का कॉल ऑप्शन, वो ओपन हुआ 9.95 पे, लो उसका 9.95 है लेकिन इसका लो है 17.60. व्हाई? बिकॉज ये जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी या इन द मनी, ये प्राइस को जल्दी रिस्पॉन्स करता है. बराबर एग्री? जो एट द मनी कॉल ऑप्शन या एकदम एंड द मनी कॉल ऑप्शन रहते हैं वो प्राइस को जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए यहां पर लो बना दिया. कितना बाय किया कहां से, लेट मी टेल यू कहां गया वो, हाँ 800. तो यहां पर ये लो लगा दिया, ये प्राइस को जल्दी रिस्पॉन्स करता है. अब अगर आप देखोगे तो रैमको सीमेंट, अगर आप एक मिनट का चार्ट देखोगे, फर्स्ट कैंडल ये देखिए, ये
ये पहला कैंडल है, इसका ओपनिंग क्या है? Can you please anybody tell me what is the opening of the first candle? 807.47 है और लो कितना लगा है 798 का. तो ये जो पहला मिनट, ये पहले 10 सेकंड्स का मोमेंटम है, मतलब मार्केट खुला 9:15 को, उस 10 सेकंड्स का मोमेंटम है ये पहले वाले. तो नीचे तो इसको रिस्पांस कौन जल्दी करेगा? जो 800 का कॉल ऑप्शन है आपका, या फिर 790 का कॉल ऑप्शन, या फिर 810 का कॉल ऑप्शन, मतलब जो एट द मनी है ना, इन द मनी, वो इसको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे. तो प्राइस अगर गिरती है ना तो ये प्रीमियम भी गिरेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएंगे. इसलिए हमको क्या करना है, जो स्पाइक आता है ना उसके बाद जो रेड कैंडल बनता है उसको जितना हो सके उतना उसको बचाना है अपनी पोजीशन को, ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो. उसके बाद जब रिवर्स आएंगे तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे. इसलिए हमको थोड़ा सा आउट द मनी कॉल ऑप्शन जाना है, क्योंकि हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स बहुत तेजी से आएगा. तो 800 का जो कॉल ऑप्शन था वो थोड़ा सा गिरा है, बिकॉज पहले 10 सेकेंड्स में स्टॉक गिरा. तो देखो 19.95 से लो लगा दिया था 17.60 का. और जो आउट द मनी कॉल ऑप्शन है वो जल्दी ट्रेड नहीं होते, ओके, वो धीरे धीरे ट्रेड होते हैं. यहां पर ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है तो इनका प्राइस थोड़ा सा लेट अपडेट होता है. तो देखो यहां पर 820 का जो कॉल ऑप्शन है इसको यहाँ पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 9.95 है और इसका लो भी उतना ही है. तो यहाँ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जो 9:15 को जो डाउन स्पाइक आया था उसका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर द आउट द मनी कॉल ऑप्शन. बाकी रिस्पॉन्स भी ये करेगा. क्यों रिस्पॉन्स करेगा ये आउट द मनी कॉल ऑप्शन भी? क्योंकि हमने जो स्टॉक बाय जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो अगर 2% खुला है तो वो 4-5% भी पॉजिटिव जा सकता है. इवन वो 2% से 4% भी जाता है तो भी आपका ये प्रीमियम 9 रुपए का 18 रुपए हो जाएगा. लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट कर देगा जब अर्ली मॉर्निंग डाउन स्पाइक आएंगे तब. एवरीबॉडी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस सर, क्लियर है. यस यस यस. हाँ, थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके सर, वो आउट ऑफ द मनी फिर इन द मनी हो जाएगा जैसे स्पाइक आएगा ना सर? अरे बाबा, तो पहले आउट द मनी बाय करो ना, प्री मार्केट का प्राइस देखते हैं. नहीं तो मैक्सिमाइज रिटर्न हो जाएगा. नहीं नहीं, जब आप अर्ली मॉर्निंग जब ये 9:15 को लो है 800 रुपए का, तो 820 उसके लिए क्या है? तब आउट द मनी कॉल ऑप्शन है ना. करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट सर. ओके, सो कहाँ डिस्कस कर रहे थे अपन? हाँ, ये ओके. तो प्री मार्केट प्राइस अगर सेटल हो रही है 800 पे, तो जाके 820 पे कॉल ऑप्शन करो. आपको ऑब्जर्व करना है कि लाइव मार्केट में आपको आउट द मनी कैसा फील होता है, कौन सा होना चाहिए आउट द मनी आपके हिसाब से. ओके, इट्स अप टू यू, बिकॉज़ आई विल नॉट बी विद यू इन द लाइव मार्केट. और दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट देख लेना कि कौन से प्रीवियसली उस ऑप्शन पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए. पता चला आप ऐसे ऐसे आउट द मनी पे गए जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड नहीं होता, आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ ले रहा हूं. ओके, सो एवरीबॉडी मस्ट हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. तो नाउ कम बैक, लेट्स बिल्ड अ स्ट्रेटजी. यहाँ पर ये ओपन हुआ था 808 पे, लो लगाया 798 का और ये बिल्कुल 10 सेकंड्स में हुआ है, बस मार्केट खुलते ही ये हुआ है और उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर जाता गया. अब मैंने एंट्री बनाई थी 9:17 को, माय एंट्री एट 9:17 एंड माय एग्जिट एट 9:21. यहां पे मैंने एग्जिट कर लिया. यहां पे एंट्री बनाई थी जब ये प्राइस चल रही थी 812 पे और जैसे ही 824 तक चला गया मेरा प्रीमियम 19 रुपए तक पहुंच गया था, मैंने एग्जिट कर दिया. बिकॉज मेरा प्लान था 11 से बाई करने का और मेरा जो टारगेट रहता है वो 50% का रहता है प्रीमियम के. 50% ऑफ दिस हाउ मच इट विल बी? 16.5, करेक्ट? यस. सो इफ आई एम बाइंग एट 14 आई विल एग्जिट एट 19 देन. आई विल नॉट वेट दैट मच. उसके बाद ही करेक्ट हो गया एंड देन फिर ऊपर चलना शुरू किया. ओके, अब समझते हैं स्ट्रेटजी को, करना क्या पड़ेगा.
आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं अगर वो आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं देन इट्स ओके, अगर कोई डाउन स्पाइक आते भी है तो हम उसको झेल लेंगे ओके। तो 5 मिनट आपको टाइम फ्रेम देखनी है, 5 मिनट की नॉट 15 मिनट। और तो ये है 9:15 का कैंडल, उसके बाद यहां पे देख रहे हैं आप दो डाउन स्पाइक आए बराबर। यस सर, कैन यू सी हियर? हाँ, यहां तक तो आपका 50% का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुक होने के बाद हमको डाउन स्पाइक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले 5 मिनट 9:15 से 9:20 तक जाता था, इट इज द कैंडल फ्रॉम 9:15 टू 9:20, और अगर उसके बाद अगर रेड कैंडल बनते थे, एक दो रेड कैंडल बनते थे, तो वहां पे हमको उसको मैनेज करना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है बाद में स्पाइक आए फिर से प्राइस के अंदर में, और हो सकता है अगर स्पाइक किया उसके बाद गिरते ही जाए तो यहां पे तो क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा हमारा। तो व्हाट आई विल डू इन दिस केस, तो सबसे पहले मैंने जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर दिया 9:15 20 सेकेंड्स पे या 30 सेकेंड्स पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, और मान के चलो मुझे जो प्राइस मिली थी वो 11 मिली थी ओके। अब 11 पे मेरा बाय हो गया, अब 11 पे बाय करने के बाद में मेरा टारगेट जो है वो 15%, हाउ मच 50%, माय टारगेट विल बी 50% ऑफ द प्रीमियम, नॉट लेस देन दिस, हाउ मच 50% ऑफ द 11, 17 अराउंड 5.5 करेक्ट, 16.5 टोटल 16.5, सो दिस विल बी माय टारगेट, दिस विल बी माय टारगेट। और शुरुआत में आपको एक लॉट बाय करना है या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके आधे, अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लॉट की तो 5 लॉट बाय करो, आपकी कैपेसिटी 2 लॉट की तो 1 ही लॉट बाय करो, अंडरस्टैंड? 50% ऑफ योर कैपेसिटी विल बी योर एंट्री लेवल, 1 लॉट मैं यहाँ पर बाय करूंगा 11 पे, अगर यहाँ पे सीधा टारगेट पे गया आई विल एग्जिट एट दिस प्राइस, आई विल एग्जिट एट द टारगेट। सर म्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज, सो मच डिस्टर्बेंसेस, बार बार बोलने के बाद भी मतलब प्लीज म्यूट द शीशलम, प्लीज सॉरी ऑफ डिस्टर्बेंस, प्लीज लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, ओके या ओके। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, सो दिस इज 11, इफ आई गेट द टारगेट आई एग्जिट द पोजिशन, अदरवाइज वॉट आई कैन डू, इफ सपोज प्राइस यहां से नीचे गिरी, मैंने बताया कि रेड कैंडल अगर बनते हैं स्पाइक के बाद में तो उसको हमको मैनेज करना है, अगर आपकी प्राइस 20% ऑफ दिस प्रीमियम फॉल होती है, कितनी? इस प्रीमियम के 20% अगर आपकी प्राइस फॉल होती है 11 से, अगर 11 का 20% कितना होगा? 2.2 अप्रोक्सीमेट 2 सॉरी 2.2 You just buy 5 lots only. And then you entered one more lot here at 8.8. So what will be the average of this? Yeah, 9.9. Okay. You got the average of 9.9. 9.9, sir. 9.9 you got the average, correct? Yes, sir. So 9.9. So hamara jo average buy ho gaya, wo 9.9 ho gaya baad mein. अब हम इसका टारगेट लगाएंगे 50%, व्हाट विल बी टारगेट ऑफ 50% ऑफ दिस? 4.4, सो आई थिंक 14.5 विल बी टारगेट, नहीं 14.5 नहीं होगा, ज्यादा होगा शायद 14.4 करेक्ट, 9.9 का 50% विल बी हाउ मच,
4.95 plus 9.9 correct so 14.85 will be the target और इसका 20% आपका स्टॉप लॉस सो 7.9 will be your SL ये है स्टॉप लॉस आपका एवरेज एंट्री यहां पर हो गई पर हेलो सर मैंने अगर 11 तक लिया और उसके बाद 20% गिर गया तो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा सर फिर मैं एक लॉट बाय करने का तो मौका मिलेगा नहीं तो उसमें क्या करूं मैं समझा नहीं सॉरी जैसे मैंने बाय किया 11 पर प्रीमियम पर और वो 20% गिर गया सर स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा मेरा तो फिर मैं उस समय फिर एक लॉट उसमें कैसे फिर इंक्लूड करूंगा आपको आपने जो है वो एक ही लॉट बाय करना है मार्केट में जी सर स्टॉप लॉस इसमें कितना रखना है वो थोड़ा बता दें कितना परसेंट हाँ नहीं स्टॉप लॉस जो है ये 20% आपका होना चाहिए 20% जी सर तो सर देखो पहली बार में एसएल नहीं लगाना है ठीक है जी सर हाँ पहली बार में एसएल नहीं लगाना पहली बार में एसएल नहीं लगाना है आपको पहले आपने 9.11 से बाय किया ना तो अगर 8.8 आ चुका है तो वहां पे एक और लॉट ऐड करो स्टॉक के अंदर तो आपका एवरेज बाय हो जाएगा 9.9 पे उसका फिर आपको 20% ऐसा लगाना है अगर हमने जो बाय किया है 11 पे वो सीधा ही उड़ गया वो सीधा सीधा ही ऊपर गया ठीक है तब तो एक ही लॉट पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा हमारा दैट इज द 16.5 करेक्ट जी सर एक लॉट अगर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट अगर हमारा 9.9 पे बाय हुआ है और यहां से फिर जैसे मैंने बताया था कि दो रेड कैंडल बन गए और उसके बाद अगर ये सीधा ही उड़ गया ओके उसके बाद दो रेड कैंडल फिर रिकवर किया वापस सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हमने एवरेजिंग कर ली बॉटम से यहां पर उसके बाद हाई को ब्रेक करता ये और फिर ऊपर आ गया ओके तब अगर 14.5 अगर हिट होता है तो हमारा यहां पर दो लॉट पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा ओके और थर्ड केस में क्या होगा इवन दो आपने 9.9 पे एवरेजिंग करा है उसके बाद भी मतलब रेड कैंडल बनते ही जा रहे और पूरा स्टॉक बाद में सो गया तब आपका 7.9 का एसएल आपका हिट हो जाएगा आपको एग्जिट करना है पोजीशन आपकी जी सर अगर मैंने एक लॉट बाय किया सर अगर स्पाइक आया तो क्या उस समय मैं फिर एक लॉट और इंक्लूड कर सकता हूँ या मैं एक ही लॉट कर रहे नहीं नहीं समझा नहीं मैंने क्या बोला आपने फिर से बोलिए जैसे सर मैंने एक लॉट बाय किया उसके बाद स्पाइक आया वो बढ़ता ही जा रहा है तो क्या मैं उसमें एक और लॉट इंक्लूड कर सकता हूँ किसी एक स्टेज पर नहीं नहीं सर नहीं 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 मैंने आपको सर पहला फंडा बताया अभी पहला ओके पहला तरीका बताया मैंने आपको अब सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे कैसे उसमें हम प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कल एवरेज ऑफ द फर्स्ट डे देन टारगेटेड एल सब्सिडी वन लास्ट क्वेश्चन सर जसलीन कौर यू गॉट इट मैम यू गॉट इट वन लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज सर मैं कह रहा था कि आपने जो एक लिस्ट बना के दिया वॉच लिस्ट और ये रैमको उसमें हिट नहीं बैठ रहा था उसने कहा है कि उस वॉच लिस्ट के अंदर ही काम करना अगर ये रैमको आ रहा है फर्स्ट नंबर पर तो जो है नहीं हो रहा है कल के डेट में ये हो रहा था स्पाइक जा रहा था इसमें तो क्या हम उसको ले सकते हैं या आप ही के वॉच लिस्ट पर हम लोग नहीं सर ये जो सेटअप है ना जो मैंने आपको बताया है अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको ये इट इज अवेलेबल फॉर ऑल फ्यूचर स्टॉक्स ओके बट इट शुड बी द फर्स्ट स्टॉक इन द स्कैनर जी अभी मैं और भी कंडीशंस आपको बताया जा रहा हूँ आप पूरा वीडियो देखिए पूरा सेशन को वॉच करिए ओके हाँ ओके तो देखो यहाँ पे मेरा एक्चुअली क्या हुआ था मेरा ट्रेलिंग एसएल मेरा क्या टारगेट अचीव हो गया तो मैंने एग्जिट कर दिया या फिर मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल भी हिट होता था तो अभी हम ट्रेलिंग एसएल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाना है
एक्चुअली दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द एल्गोरिथम. मैं एल्गोरिथम से ये सब चीजें करता हूँ, मैनुअली कुछ भी नहीं करता. ओके ओके. नाउ आपने जो बाय कर लिया है वो 11 पे बाय कर लिया है, अब आपका टारगेट 16.5 का है. ओके आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप भी टारगेट आपका हो चुका है, आपको टारगेट पता है 16.5 का है. तो जनरली व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेरा लगाया था पहले, मान के चलो आई एम कंसीडरिंग 20% टू बी स्टॉप लॉस हियर. ओके दैट इज द हाउ मच 8.8. तो जैसे ही मेरा 16.5 पे पहुंच जाता है, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है इसको उठा के इसके 10% के नीचे लगाता हूँ. 10% ऑफ 16.5 विल बी हाउ मच? 1.65 means yeah means it will be like 15.9. तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने 11 पे बाय किया, मेरा टारगेट 16.5 का है, जैसे ही ये 16.5 के पास पहुंच गया तो मैं पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस 15 पे लगा देता हूँ. अगर ये यहां से और ऊपर गया, मान के चलो 20 रुपए गया, तो फिर मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस फिर 18 पे लगा दूंगा. तो इस केस में क्या होगा, जब कोई स्टॉक जो है वो लगातार ऐसा बढ़ रहा है, बिल्कुल सीधा 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 बढ़ रहा है, तो आपने 11 रुपए बाय किया, प्रीमियम हो सकता है आप 25-30 रुपए में बेचो, ऐसा हो सकता है. और ये होगा अगर आप 10 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 3 दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आप 100% प्रॉफिट बुक करोगे, 100% अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ काम कर रहे हो तो. बट ये सारी चीजें डायनामिकली मैनेज करनी पड़ती है थ्रू एल्गोरिथम. ओके सो लेट अस समराइज व्हाट आई सेड वंस अगेन. आइदर आई विल बाय वन लॉट एट 11, इफ इट इज स्काईरॉकेट एट 16.5, आइदर आई विल बुक माय वन लॉट प्रॉफिट, एग्जिट द मार्केट. ओके ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस क्या हो सकती है, जैसे 16.5 पे पहुंच गया, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लगा दूंगा 15 पे, खत्म. 10% ऑफ दिस प्राइस, 15 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर अगर ये मान के चलो 20 पे पहुंच गया, फिर 18 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा. हाँ अगर 20 पे जाने के बाद प्राइस थोड़ी गिरती है और ये हिट हो जाता है तो मेरा 18 पे एग्जिट होगा. अगर 16.5 पे जाने के बाद स्टॉक अगर थोड़ा सा गिरता है तो ये 15 पे मेरा एग्जिट हो जाएगा. ये है केस. सर एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ बोलिए. ये जो स्कैनर का जो टाइम फ्रेम है वो आपके अभी अभी जो शेयर किया है आपने, उसका 30 मिनट है, वो 5 मिनट है सर के या 30 मिनट से? नहीं नहीं 30 मिनट्स. इसको 5 मिनट करने का जरूरत नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये पहले स्टॉक के लिए बिल्कुल नहीं. यहाँ पर जो भी आएगा वो प्री मार्केट से आएगा बिल्कुल. ओके और उसमें न्यूज रहेगी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो यहाँ पे आते हैं वो न्यूज वाले होते हैं, जो रॉकेट बनते हैं बिल्कुल मार्केट में. इस हफ्ते में एस्ट्रल जो है वो रॉकेट बना, ठीक है. उसके बाद दूसरा आया था कौन था, रैमको, वो रॉकेट बना. उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर, वो भी रॉकेट बना, वो 307 पे आया था, मैंने थोड़ा लेट दिया, 305 पे आया था वो. उसके बाद 313 गया, 312 वो भी रॉकेट बना चंबल फर्टिलाइजर. उससे पहले भी आपने देखा होगा तो रॉकेट बना हुआ कोई ना कोई. सर पर ये जो पहला स्टॉक आया है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, तो इसपे कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट को रीड करना चाहिए सर, कि जरूरत नहीं चार्ट को कोई देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाय करो ना उसको, कहाँ चार्ट देखोगे, चार्ट देखते देखते तो वो ऊपर चला जाएगा. ओके ओके नहीं वॉच करने के हिसाब से. सर मैंने चार्ट की बात नहीं किया, मैंने वो चार्टिंग का जो स्कैनर है, स्कैनर में जो ऊपर में 30 मिनट टाइम सिलेक्ट किया हुआ है उसमें 5 मिनट सिलेक्ट करके उसके बाद स्कैन करूं या 30 मिनट? नहीं नहीं 30 ओनली 30. ओके सर. हमारे पास चार्टलिंग का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो 9-10 पे जी हमको कैसे दिखाएगा? नहीं आपको लेट आएगा सर, आपको लेट आएगा वो. अच्छा तो प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा. देखो मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ ना स्ट्रेटजी, उसमें आपने 11 रुपए का प्रीमियम जो है ना, अगर मैं 16.5 टारगेट बोल रहा हूँ,
अगर वो स्पाइक कर रहा है ना आपको इतना भी मौका नहीं देगा, 16 आप जाओगे वो 20 पे पहुंच जाएगा, आप 20 पे करने जाओगे वो 25 पहुंच जाएगा, इतने तेजी से मोमेंटम करता है स्टॉक जो आता है वो, और आपकी आंखों में ऐसी चमक आ जाएंगी बाय करते ही प्रॉफिट। और अगर लॉस होना है 11 पे बाय कर रहे हो तो फिर एक तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने एक ही लॉट पे अगर ट्रेड करना है तो 20% का अगर एसएल हिट हो गया, 20% का अगर एसएल हिट हो गया ठीक है, इन दैट केस आपको एग्जिट करना है। तो यहां पर हमारा एग्जिट बनता था 8.8 पे। देखो आप 20% का अगर आप लॉस बुक कर रहे हो और अगर आप 50% का अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही ऊपर जाएगा। एक लॉट पे अगर करना है आपको तो फिर आपको वो ट्रेल वो स्टॉक एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक ही इस पे लगाओ। और थोड़ा आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना था कि रिस्पॉन्स देरी से करे प्राइस को, जैसे कभी एक मिनट का कैंडल बना उसके बाद अगला एक मिनट का रेड कैंडल बन गया बड़ा सा बराबर, तो प्राइस ने उसको लेट रिस्पॉन्स करना चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हाँ अगर स्पाइक करता है ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो तेजी से रिस्पॉन्स करे, इसलिए मैंने आपको आउट द मनी कॉल ऑप्शन बोला है, 820 या फिर 830 कॉल ऑप्शन यू विल बाय। कि अर्ली मॉर्निंग अगर थोड़ा सा स्टॉक गिरता भी है तो वो उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये 820 क्या यहां पे 790 कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखो 790 कॉल ऑप्शन, सर यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करना है ना उसका। हाँ थोड़ा वॉल्यूम देख ले, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने चाहिए ना जो भी आप कर रहे हैं, ऐसा आपको 200-300 वॉल्यूम भी मिला तो भी चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट है वो अननोन है ना रिटेल ट्रेडर के लिए आज, बराबर है ना। देखो वॉल्यूम कैसे बनता है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 200-300 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, 100-150 कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे कितने 936 है ना, सुबह आपको 200 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लेकिन जैसे फिर 9:15 को मार्केट खुलेगा जब ये ऊपर बढ़ेगा ना, फिर अनिल सिंघवी जी तुम्हारे जितने भी टीवी के एक्सपर्ट है वो इसकी चर्चा करेंगे, देखो ये शेयर ऊपर जा रहा है, फिर आप लोग भी देखोगे, फिर उसको बाय करोगे, फिर उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, तब तक तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाऊंगे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। हाँ सर बिल्कुल, जो स्टॉक यहाँ पे आएगा ना आपका जो गुरुजी है आपके टीवी वाले वो इसको डिस्कस करेंगे 9:20 पे, देखना 9:20-9:25 फिर इसमें और वॉल्यूम आता है और ऊपर जाता है फिर वो। At the same time or a same time later? What is this question, Arka? I didn't get you. Charting shows the pre-market prices at the same time or a some time later. मैंने 10 बार बोला अभी यहाँ पे repeat किया एक बात, I repeated so many times कि यहाँ पे आपको ये जो stock है उसकी pre-market जो price है settle वाली 798 थी वो आपको 9:10-11 पे ही मिल जाएंगी। और देखना कि प्रीवियस कल जो स्टॉक था वही स्टॉक तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नया स्टॉक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है इनके सॉफ्टवेयर में एरर आता है तो प्राइस अपडेट नहीं होती या फिर स्टॉक अपडेट नहीं होता है, तो उस दिन अवॉइड कर देना। आपको दिख रहा है कल था बिरला सॉफ्ट और आज दिख रहा है आपको रैमको सीमेंट, तो बिल्कुल उस पर आपको ट्रेड ले लेना है। ओके और स्टॉप लॉस अगेन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, किसको अगर एवरेजिंग करनी है तो 11 पे बाय किया है, 50% का टारगेट है, एक तो सीधा चला गया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नीचे आया 8.8 पे तो यहाँ पर एक और लॉट ऐड करो, एवरेज आपका हो जाएगा 9.9 पे, देन इसका 50% आपका टारगेट रहेगा और 20% इसका एसएल रहेगा। ये एक तरीका है। इसमें दूसरा केस ये भी हो सकता है, 9.9 से 14.5 पहुंच गया 50% टारगेट पे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो 13 रुपए पे, इसके 10% पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और फिर ऊपर बढ़ रहा है तो ट्रेल करते करते आप जाओ ऊपर, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन हाँ जो मैं आउट द मनी कॉल ऑप्शन बोल रहा हूं आपको, वो जो डाउन स्पाइक आता है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा और हम एक लॉट पे एवरेजिंग करें उससे भी वो थोड़ा वो प्रोटेक्ट होगा। जैसे 840 पे चला तो इसको कितना पड़ेगा? सॉरी
अभी लगभग 843 पर चल रहा है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस? आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका, थोड़ा जोर से बोलिए। बोला सर अभी 843 पर चल रहा है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे? आउट द मनी क्या होगा 843 का? 850 और 870 है ना? Yes. वो प्रीमियम भी ट्रेड होने चाहिए, ओके? और देखना प्रीमियम ट्रेड हो रहा है नहीं, और आउट द मनी 860-870 को ही जाना। अगर तुम चले गए 840 को, 830 के कॉल ऑप्शन को, थोड़ा भी डाउन स्पाइक आएगा ना आपका सीधा एसएल उड़ जाएगा। कॉल ऑप्शन बाय करना और एवरेजिंग करने के बाद में भी 20% एसएल हो गया तो चुपचाप एग्जिट कर लेना उस दिन, होल्ड मत करना पोजीशन को सर उसके बाद में, मैं तो निपट जाऊंगी पूरा मार्केट में, ठीक है सर? फर्स्ट टाइम हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे ना सर? अरे बाबा फर्स्ट टाइम नहीं लगाओगे, जैसे 820 का कॉल ऑप्शन लिया 14 से और वो आ गया मान के चलो 20% कितना होगा इसका 2.8 विल बी हाउ मच 11.2 करेक्ट। अब 11.2 पे मुझे दिख रहा है ना आंखों से प्राइस की, अभी 11.2 चल रही है। हेलो हाँ हेलो 11.2 दिख रही है तो मैं एक लॉट बाय करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर एसएल लगाना है, एसएल टारगेट लगाना है, सीधा ही उड़ गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपका पूरा तामझाम, पूरा आपका जो ट्रेड है ना वो 9:30 तक कंप्लीट हो जाएगा, 9:15 से आओगे आप मार्केट में, 9:30 तक एग्जिट खत्म, उसके बाद देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। हाँ अगर आप ट्रेलिंग एसएल कर रहे हो, आप टारगेट नहीं लगाना चाहते, आपको टीएसएल करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, तो फिर वो जब तक बढ़ते रहता है 11-12 बजे तक, तब तक फिर आपको वो रिवाइज करते जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 10 में से 3 दिन आपको ऐसा सॉलिड ट्रेड मिलेगा यहाँ पे जो बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। Okay. उस दिन आप 100% भी कमा सकते हो, 100%। और जो इन द मनी का प्रीमियम है, आप सोचो यहाँ पे लेट मी शो यू, ये जो 790 का कॉल ऑप्शन है, 23 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे कितना हो गया, ये 57 हो गया, बराबर 23 का प्रीमियम हो गया 57। अब अगर मैं आउट द मनी चेक करूं, आउट द मनी 830 कॉल ऑप्शन, तो 8 का प्रीमियम कितना हो गया यहाँ पे, 25 हो गया, मीन्स ये कितना बड़ा है, 300%, ये 300% पड़ा बड़ा है। इन द मनी जो है वो 100% या इन द मनी जो बड़ा है वो 120% बड़ा है, आउट द मनी 300% बड़ा है। तो जितना आप आउट द मनी प्रीमियम बाय करोगे उतना आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। मैंने जो लिया था 820 का, वो लेट मी शो यू दैट 820 कॉल ऑप्शन, या मैंने जो 9 रुपीज का प्रीमियम लिया था वो 33 चला गया, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 350% राइज हो गया इसके अंदर में, और इन द मनी के प्रीमियम में कितना राइज हुआ, केवल 120% का। ये फायदा होता है आउट द मनी का बाय करने का, लेकिन आउट द मनी में रिस्क भी रहती है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता तेजी से, इसलिए उसको ऐसे स्टॉक पे करना पड़ता है आउट द मनी को जहां पे तेजी से स्पाइक आने वाला है बिल्कुल। और हमारा ये जो पहला स्टॉक है ये आपको तेजी से ही स्पाइक देगा, एक तो तेजी से नीचे गिर जाएगा या फिर तेजी से ऊपर जाएगा। मीटिंग चल रही है सर, अगर ये मॉर्निंग प्री मार्केट में अगर वो 3-4% दिखा रहा है तो भी ले सकते हैं, परसेंटेज का कोई वो नहीं है ना सर कि मतलब इतना परसेंट के ऊपर नहीं लेना। 3% पॉजिटिव रहा तो भी चलेगा, अगर उस दिन ओपन होते ही गिर गया तो आपका ऐसे लोगों और क्या होगा ज्यादा है ना, तो अब तक 3% तक अपन ट्रेड ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा नहीं, 3-4% जितना भी हो ले लो, अच्छा उसमें ट्रेड ले लेना, ठीक है समझ ले लो ले लो ले लो ले लो, एक तो क्या होगा स्टॉप लॉस होगा और क्या। सर अगर जो पहला वाला स्टॉक है वो शुरू से नीचे गिरने, मतलब पहले दिखा रहा है 9:15 पे ऊपर प्री मार्केट के बाद, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली नीचे चलना शुरू किया और 20-30% नीचे आ गया, तो उसको उसके बाद खरीदना है डिप में या उसको छोड़ देना है उस दिन इग्नोर कर देना? 30% ऐसा कोई शेयर नहीं देखा मैंने करेक्ट हो गया सुबह सुबह बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम आपका 20% गिर गया, प्रीमियम नॉट
अभी हम एक फाइनल फिल्टर यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, दैट फिल्टर टू बी जो भी स्टॉक यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, अगर वो 2% या उससे ज्यादा अगर बढ़ा हुआ रहेगा, कितना 2% या उससे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो ही उसमें पोजीशन बनाना। अगर आपको दिख रहा है कोई स्टॉक 1% या 1.5% बढ़ा हुआ है, वो टॉप पे आ रहा है, तो उस पे एंट्री मत बनाना बिल्कुल भी, 2% से ज्यादा। ठीक है सर, इसमें अपने को निफ्टी का भी देखना पड़ेगा क्या, ट्रेंड बुलिश है तो ये नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। और दूसरी बात सर, ये फिल्टर डाल तो दो से दो मतलब 2% से ज्यादा, ये 2% ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और जैसा इन्होंने अविनाश जी ने ये पॉइंट उठाया था, अगर कोई स्टॉक 4-5% बड़ा हुआ है तो उसमें लेना या नहीं, देखो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको स्टॉप लॉसेस कम चाहिए स्टॉप लॉसेस, आप बिल्कुल मतलब आपको उतना रिस्क नहीं लेना है, तो आप उसमें बेंचमार्क कर सकते हो 3%। आपको फिर उस दिन ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा अगर कोई मिल रहा है आपको 4-5% ऑलरेडी गैप अप हो चुका है, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि 5% अगर बढ़ के आया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 6% बढ़ेगा, है ना, और फिर उसका गिरना शुरू कर देगा बराबर, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए भी तो समय लगता है ना मॉर्निंग में, तो फिर उस केस में गिरना शुरू कर देगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कैप लगा सकते हो, अगर कोई भी स्टॉक 2-3% अगर बढ़ के आता है then only I will make the entry, otherwise not. Clear sir. आप ये कर सकते हो ताकि आप थोड़ा और आपका ट्रेडिंग सिक्योर हो जाए, 2-3% बढ़ा हुआ sir, और ये प्री मार्केट में ही आगे बढ़ के आएगा। फिल्टर कैसे सेट करना है फिर उसके लिए, सॉरी फिल्टर कैसे सेट करना है, मतलब इसमें चार्टिंग में सवाल पूछते हैं। अरे बाबा, प्री मार्केट से अगर प्राइस 798 पे है तो अगर प्रीवियस डे पे मान के चलो 780 का क्लोज था, तो वो दिखाएगा ना यहाँ पे 2.2% है करके पॉजिटिव, ये दिखेगा नहीं क्या आपको यहाँ पे? नहीं सर, आप जो पैरामीटर्स जो आपने डाल रखे हैं मैक्सिमम 30 मिनट से, ऐसा कोई पैरामीटर्स भी इसमें डाल सकते हैं ना? कौन से पैरामीटर? ये जो ऊपर आपने डाल रखे ना 30 मिनट मैक्सिमम 4, 30 मिनट क्लोज, 30 मिनट वॉल्यूम, इसमें वो भी एक पैरामीटर डाल सकते हैं जो ये 2-3% स्पाइक कर रहा हो जो स्टॉक, वही शो करे इसमें। अरे कर सकते हो, लेकिन जो टॉप स्टॉक आएगा, ठीक है, अगर तो वो दिख जाएगा ना यहाँ पे, ये स्टॉक आपके पास 9:10 पे आने वाला है, 9:10, 9:11 को, यू हैव द इनफ टाइम, 4-5 मिनट का समय रहता आपके पास उसका आउट द मनी प्रीमियम ढूंढने के लिए, लॉट साइज क्या है वो सब समझिए, और आपको दिखेगा ना यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है वो, ये प्री मार्केट में बढ़ के आएगा 2%, मैं लाइव मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ ये। ओके ओके सर, प्री मार्केट में ही आपको यहाँ पे दिखेगा 2% प्लस, वही 2-3%। आर यू गेटिंग? हेलो, यस यस सर, हाँ सर, फाइनली बढ़ गया तो उसको नहीं, उसमें वेट कर लेना। तो हमें जो एंट्री लेनी है वो 9:15 पे लेनी है ना, राइट? तो अगर सपोज क्योंकि अगर सपोज क्योंकि 9:15 10-15 सेकंड तक आपका बाय हो जाना चाहिए। हाँ, तो अगर इस केस में अगर सपोज क्योंकि उस प्री मार्केट में दिखा रहा है कि 3% अप है, अगर 9:15 पे खुलते ही वो 2-3% डाउन आ गया, तो फिर हमारा तो वहां पे स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा ना, हमने वहां पे कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, मतलब समझा नहीं मैं, मार्केट खुलते ही नीचे गिर गया तो? हाँ, नीचे गिर गया तो उस टाइम पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना 9:15 पे? नहीं, देखो खुल गया मान के चलो 8:40 पे, और 8:40 से सीधा आपका बाय हो गया है, प्रीमियम गिरना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हाँ, तो जैसे 20% फॉल हुआ प्राइस में, आपको एवरेज करना है, एवरेज करो एक लॉट पे, फिर जो भी एवरेज आएगा उसका 20% ऐसे लगाओ, या फिर आप एग्जिट हो जाओ, अगर आपका एक ही लॉट है तो 20% पे आप एग्जिट हो जाओ, खत्म। ओके ओके ओके, स्टॉप लॉस लेके ना सर एग्जिट हो जाए। सर सर, एक बात मैंने वो एनालाइज ऐसे किया कि जैसे जैसे रैमको सीमेंट है, जो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, जैसे उसने रिजल्ट वाले दिन काफी मूवमेंट दिया, अगर ऐसे हम सीमेंट के अदर स्टॉक ले लेते हैं, जैसे श्री सीमेंट का रिजल्ट 23 को है, तो उसमें हम पहले से नहीं, 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 नहीं सर, नहीं नहीं
देखो सर हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो स्टॉक है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। बाद में एसीसी में क्या हो रहा है, श्री सीमेंट में क्या हो रहा है, अंबुजा सीमेंट में क्या हो रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्कैनर है ना, ये फ्यूचर ऊपर फ्यूचर रख के ही रन करना है या अपना वॉचलिस्ट जो आपने दिया हुआ है उसको उसमें काम करना? नहीं फ्यूचर में सर, ये फ्यूचर इट इज फॉर जो स्ट्रेटेजी मैंने आज डिस्कस की है, इट इज फॉर ऑल द स्टॉक्स। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जे जो स्कैनर है इसका प्रीमियम मतलब लेना है या नॉर्मल? अगर आप में से कोई सिंसियर ट्रेडर है जैसे अक्षय जी जिनका मैंने कल इंटरव्यू लिया था, वो उनको मैं जो भी सिखाता हूँ प्रॉपरली उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं बिल्कुल एकदम शिष्य की तरह, और नाउ ही इज इन द प्रॉफिट, लास्ट वीक उन्होंने 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आप ऐसे शिष्य बनते हो मेरे वाले और प्रॉपर बैकटेस्ट करते हो चीजों को, सारी चीजों को एंड देन एग्जीक्यूट करते हो, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन आपको रैंडम ट्रेडिंग करनी है, डिसिप्लिन कोई दिखाना नहीं है, मेहनत कुछ करनी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। तो, सर जो स्कैनर है इसका प्रीमियम वर्जन लेना है या नॉर्मल से हो जाएगा? नहीं इसका प्रीमियम वर्जन आपके पास होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? लेट आएगा ना यहाँ पे? अच्छा अच्छा यहाँ पे आपके पास लेट आएगा। ओके तो अब आखिरी बात, आखिरी मोर मुद्दे की बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके तो करना क्या है आपको नेक्स्ट वीक, अगर आप एक सिंसियर ट्रेडर हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वाकई में मार्केट में आए हो कमाने के लिए, तो इसको पूरे हफ्ता बैक टेस्ट करो। जो भी 9:15 की प्राइस है ब्रोकर के टर्मिनल में ओपन करो, 9:10-11 के पास आपके पास स्टॉक आ जाएगा, जो भी आउट द मनी प्रीमियम आप सिलेक्ट कर रहे हो उस प्रीमियम को ऑब्जर्व करो। मैंने 50% का टारगेट बोला है और 10% का एसएल बोला है, सॉरी 20% का एसएल बोला है, तो इसके साथ उस प्रीमियम को आप ऑब्जर्व करो। सर क्या ये बिशप दूसरा स्टार्टिंग में दूसरा जो आएगा स्टॉक वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ 10% 20% का एसएल, और पहले वीक फर्स्ट वीक आप बैक टेस्टिंग करो, एक्सेल शीट प्रॉपर मेंटेन करो, जैसे ये एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं अक्षय जी, वैसे आप एक्सेल शीट मेंटेन करो। तो देखो वहां पे वन वीक एक लॉट पे ही करो, एक लॉट 50% का टारगेट रहेगा या फिर 20% का एसएल रहेगा, कितने स्टॉप लॉस होते हैं, कितने टारगेट होते हैं, कितना परसेंट का रिटर्न मिल सकता है वो कैलकुलेट करो। फिर नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक में क्या करना, जो 50% कई टारगेट रहेगा और 20% का एसएल, लेकिन इसको एवरेजिंग के साथ करना है, एवरेजिंग। ऐसा 2 हफ्ते के अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा मुझे कितना प्रॉफिट इससे मिल सकता है, एंड देन यू एग्जीक्यूट द लाइव ट्रेड, ऐसा आप कर सकते हो। ओके हाँ yes, लेकिन बैक टेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना प्रॉफिट नहीं होगा। सर फ्यूचर के स्टॉक पे करना है कि आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें करना है? सॉरी ये फ्यूचर के स्टॉक पे करना है कि आपने जो 20 स्टॉक की लिस्ट दी थी उस पे करना है? अरे बार आपने स्ट्रीम कब ज्वाइन की? सर अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले। सॉरी अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। 11 बजे ज्वाइन करना चाहिए ना, मैंने बोला ये स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टॉक्स। अच्छा अच्छा सर क्या ये स्टॉक चार्ट में जो आता है फर्स्ट ही अपने को लेना है क्या, दूसरे तीसरे भी ले सकते हैं कोई? ओके सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रेटजी, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे मार्केट के अंदर। सर यहाँ पे जिसको कोई डाउट है? हाँ सर एक्सक्यूज मी सर, इसको 5 मिनट और 30 मिनट रखने में कुछ डिफरेंस आएगा स्कैन करने के लिए? नहीं 30 मिनट ही रखना है बस। ओके 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 सर ये क्या चार्ट में कोई भी सर ले सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड? आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला ही लेना है वो कह रहे हैं, दूसरा तीसरा स्टॉक भी ले सकते हैं क्या? थैंक यू।
अच्छा एक बात बोलिए कि प्रीमियम में अगर 9-10 में आता है तो फ्री वाले में कितना तक वो अपडेट होगा? ये मैंने पूरे क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि पहला स्टॉक पहला स्टॉक पहला स्टॉक, फिर भी पूछा जा रहा है। मतलब अरे बाबा इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बैकटेस्ट करो ना, नेक्स्ट वीक बैकटेस्ट करो इसको, एक्सेल शीट मेंटेन करो, रिजल्ट को मेंटेन एक्टिवली देखो उसको, 9:15 से 9:30 तक कुछ नहीं करने का, बस इसको ऑब्जर्व करने का, जो भी ट्रेड यहाँ पे आता है बस इसको फॉलो करो तो प्रॉफिट होगा ना, समझ में आएगा क्या करना पड़ेगा रियल टाइम में और समझ में आएगा अच्छे से। सर 9:11 में इसको यदि हम फिर सर्च कर लेंगे, हेलो, फिर वही 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 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके सर मेरे को एक आपकी राय चाहिए, आपने बोला था सेकंड ऑप्शन में जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वो पूरे दिन पे नेगेटिव जाता है, वो मैंने भी नोटिस किया, तो हम उसमें पी ट्रेड बना ले क्या सर? वो मेरे स्ट्रेटजी के अंदर नहीं है। अच्छा ठीक है सर, जैसे नवीन फ्लोरिन में उस दिन वो गिरा तो मैंने नोटिस किया कि उसमें पी बहुत अच्छा गया, फिर मैंने पी दिया था ना। नहीं नहीं अभी ये वाला नहीं, उसके मैंने दो चार दिन पहले जिस दिन नवीन फ्लोरिन का रिजल्ट आया था उसके नीचे आ गया वो। वही तो बोला मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने कॉल कैसे नहीं, आपने नहीं किया था, मैं अपना वो आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा स्टॉप लॉस जैसे सेकंड केस में हिट होता है तो हम पी ट्रेड बना सकते हैं क्या? नहीं वो आपका आपको करना है, मेरी स्ट्रेटजी में तो वो नहीं, मेरे एजेंडे में वही है। मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ, प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, ये हो गया तो ये करेंगे, वो हो गया तो वो करेंगे, उसके चक्कर में 10 ट्रेड लग जाते और पूरा लॉस हो जाता है 10-20 हजार का। अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, जो लोग केवल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो क्लास पे लीव कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना डिस्कस अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग। सर एक चीज पूछनी है सर, ये आउट द मनी का बताया सर, तो पहले आपने 15 मिनट का इन द मनी एंड एट द मनी का बताया, वो मतलब 15 मिनट का चार्ट पे देखना है, वो स्ट्रेटजी अलग है सर, ठीक है, वो अलग है ना। ओके सर ठीक है, दैट इज डिफरेंट वन, ये है अर्ली मॉर्निंग स्पाइक। ओके सर, ओके थैंक यू सर। इसमें 9:11 देखने के बाद में उस समय आउट ऑफ द मनी हम लगा के रख लेंगे क्या? या टेल मी सॉरी 9:11 आपको आउट ऑफ द मनी में ना। हाँ मैं अपना पूरा काम जो है ना ये सब एल्गोरिथम से करता हूँ, मैं मैन्युअली कुछ भी नहीं करता। ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग नाउ। तो सर एल्गोरिथम में कब से चालू करेंगे बाकी लोगों के लिए? सॉरी एल्गोरिथम में फिर ऑप्शन में आप कब से चालू करेंगे, क्योंकि मैन्युअली तो हम लोगों के लिए तो और ही कठिन है, जब आप ही नहीं कर पाते तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? अल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हो आप? यस नहीं अभी उसके लिए 5 ही एप्लीकेशन लिए, उनको मैनेज कर रहे हैं 5, ठीक है। ओके 5 एप्लीकेशन लिए जो मार्केट में एकदम डेरिंग लोग है बिल्कुल, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख गए 10 लाख गए, तो ऐसे लोग का एप्लीकेशन लिया है और उसके साथ उनके साथ काम कर रहे हैं अभी। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ जैसे जैसे मतलब 1-1.5 महीने के बाद में सबके लिए ओपन हो जाएगा अल्गो ट्रेडिंग, मतलब शायद ये जून के एंडिंग तक के सबके लिए अल्गो ट्रेडिंग अवेलेबल हो जाएंगी। मंडे के मार्केट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस में कोई न्यूज रहेगी तो उसके लिए भी उसको वॉच करें सर? नहीं वो तो यहाँ पे आ जाएगा, वो अगर अडानी एंटरप्राइजेस में प्री मार्केट में अगर भाई भारी बाइंग हुई ना तो वो वहाँ पे आ जाएगा। हाँ और अगर ये 3-4% स्पाइक करके मिलता है इसके ऊपर तो... सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि यहाँ पे कोई घापला नहीं हुआ है करके, है ना। हाँ हाँ सर रिक्वेस्ट टू शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, अनेबल टू अटेंड विद द कंसंट्रेशन, इज वर्किंग फॉर मी टुडे। ओके ओके रंजीत आई विल शेयर, डोंट वरी। सर उस दिन आपकी एडवाइस बहुत काम आई सर, एसबीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला था उससे पहले
अजय भाई क्या, अशोक भाई क्या हो गया भाई साहब? थैंक्स संचित अमोल, यस ओके यू स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट इन द मार्केट, दैट्स गुड, दैट्स गुड न्यूज. वही काम है, मिशन है रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाना मार्केट में, दैट्स ग्रेट. तो लेट अस गो एंड टॉक अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग अप्रोच. अरे यहाँ पे क्यों सर्च कर रहा हूँ भाई मैं. तो जब आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इसी स्कैनर में निफ्टी 500 ऑल्सो, ओके. जैसे हम लोग ऑप्शन में करने के लिए फ्यूचर यूज करते हैं अर्ली मॉर्निंग के लिए, या फिर आपको 15 मिनट की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है ऑप्शन की, तो उसके लिए हम वॉचलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं. वैसे ही जब हमको स्विंग ट्रेड्स बाय करने हैं तो यहां पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा निफ्टी 500 एंड वी हैव टू हिट द रन स्कैन. ओके, सो नाउ केईसी इंटरनेशनल यहां पर पहला स्टॉक आ रहा है. गो एंड सर्च अबाउट इट. ओके, इफ यू वॉच माई यूट्यूब वीडियोज, एनी न्यू ज्वाइनिंग हियर, एनीबडी न्यू पर्सन अटेंडिंग द क्लास टुडे फर्स्ट टाइम? यस सर, फर्स्ट टाइम. यस सर, फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम गर्ल्स? ओके, या अर्का? ओके अर्का, सो टेल मी, इज दिस द ग्राफ दैट आई टारगेट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग? क्या ऐसा ग्राफ होता है जिसको मैं टारगेट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए? नहीं सर, क्योंकि मुझे बता रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम. नहीं 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 करते ना, है ना? नहीं. अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखते होंगे तो मैं जनरली ऐसा ग्राफ टारगेट करता हूँ, राइट? तीन मार्क जो बढ़िया अप ट्रेंड दिया है, अप ट्रेंड दिया है, रिजेक्शन आया है और फिर रिटेस करके जो वापस आता है, राइट, उसको हम टारगेट करता है. हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे तो आया, रिटेस करके वापस आ रहा है, लेकिन किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ये किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है. जब आप इस पॉइंट को देखते हो तो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये है और ये है, करेक्ट. लेकिन रिटेस करके जब आ रहा है तो कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक को मैं अवॉइड कर दूंगा. सर जी एक बार बताइए जी ना, जी जो जो थ्री लाइंस है जी, आपने कैसे सेट किया? ओके, लेट मी गो वन बाय वन. ओके, तो सबसे पहले तीन क्राइटेरिया क्या होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के, एक तो ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस. ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, सेकंड क्राइटेरिया आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 60 and it should be less than 70, less than equal to 70, second criteria. And third point, if it is good, यहाँ पे वो बहुत अच्छी बात रहेगी अगर कोई भी स्टॉक है वो फायर कर रहा है अपर बुलिंगर बैंड. अगर फायर कर रहा है अपर बुलिंगर बैंड तो वो बढ़िया स्टॉक बन सकता है जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं. ये तीन कंडीशन बस फुलफिल करनी पड़ती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए. And what is the time frame of the analysis? A day time. Day time. Day time. Day time frame. So let me apply the RSI indicator here. यहाँ पे reversal क्यों आया? RSI greater than 70. जिन्होंने नया join किया, जिन्होंने कल ही class join किया है. आप मुझे बताओ जिन्होंने नया ज्वाइन किया पहला क्लास है, इस पॉइंट पे रिवर्सल क्यों आया? मोर देन 70 हो गया था तो इसलिए रिवर्सल आ गया. आरएसआई मोर देन 70. हां, आरएसआई यहां पर 70 है तो ओवरबॉट कंडीशन है, तो अप ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो स्विंग ट्रेडिंग में कोई ऐसा शेयर मत सिलेक्ट करना, या फिर पर्सनली भी अगर कोई शेयर बाय करके रखा है तो 70 से ऊपर उसको होल्ड मत करना. बहुत अच्छी खबर है मार्केट में,
तो 75 तक होल्ड करना, उससे ऊपर नहीं। सर कहां पर है आरएसआई? ये क्या ये दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर में जाके आपको आरएसआई को टाइप करना पड़ता है। हाँ आ गया, 70 से ऊपर है मींस ओवरबॉट है, तो रिवर्सल देगा यहाँ से। तो पर्सनली भी कोई स्विंग ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 70 के ऊपर या होल्ड मत करना, रिवर्सल आ सकता है वहां से। तो ऐसे स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। अब देखो अभी आरएसआई भले ही यहाँ पे कितना दिख रहा है, अगर मैं मंडे को इसको बाय करने के बारे में सोचू, आरएसआई कितना यहाँ पे 60 है, लेकिन आरएसआई का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? रिजेक्शन, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बराबर। तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये है, यहां पर आएंगे स्विंग ट्रेड स्टॉक्स, इनको वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ब्रेक कर रहा है। और कोई ऐसे स्टॉक में पोजीशन मत बना जो डेरिवेटिव में ट्रेड करता है, जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन का उसको अवॉइड करो। खाली कैश के स्टॉक्स होने चाहिए निफ्टी 500 के। अब निफ्टी 500 में वो भी आते हैं डेरिवेटिव वाले भी, तो उनको अवॉइड करना, उस पर ट्रेड मत करना गलती से भी। ओके सर, टाइमिंग क्या रहेगी इसको रन करने की? क्यों नहीं करेंगे? हेलो सॉरी, इसमें हम निफ्टी 500 क्यों सेलेक्ट करेंगे, कैश के कैसे उन्हें सेलेक्ट करेंगे? कैश अगर आपको और बड़े मोमेंटम वाले चाहिए तो कैश वाले फ्यूचर और कैश दोनों आ जाएगा ना, इसलिए दिक्कत होगा। अरे तो बाबा जिसमें ऑप्शन है उसको मत करना, रैमको सीमेंट का ऑप्शन है इसको नहीं करना, बिरला शॉप का ऑप्शन है इसको नहीं करना, अडानी एंटरप्राइजेस का ऑप्शन इसको नहीं करना, ऑप्शन वालों को अवॉइड करना है। जी सर, कैसे पता चलेगा किन का ऑप्शन है किन का नहीं है? तो देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे AWL अदानी वेलमार में खाली यहाँ पर एक रिकवरी कैंडल आया है ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा बाय बन सकता था यहाँ पे। इसके ऊपर ये लेवल अगर क्रॉस कर देता है ना, बढ़िया बाय बनता है ये। मैं ये कॉल मैं खुद दूंगा यूट्यूब पे, अगर ये क्रॉस करता ये लेवल 420 का। तो किसी को कोई समझ में आया ये, इसको हम अवॉइड क्यों कर रहे हैं? जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो वो प्रीवियस रेजिस्टेंस देख रहे करना चाहिए, रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो कैसे देखेंगे? देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर बाइंग, जैसे यहाँ पर आप स्टॉक को देख रहे हैं, तो इससे पहले रिजेक्शन कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया था, बराबर है ना? हाँ जी सर। अच्छा, जो पिछले वाला था रिजेक्शन उसको देखना है। हाँ, इसको भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन आया था, सेम पॉइंट पे आया रिटेस्ट करके, फिर वहीं से रिजेक्ट हो गया है ना। राइट, आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अगली बार जब प्राइस घूम के आएगा, अगली बार जब प्राइस घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसको रिजेक्शन मिलेगा, बराबर? बिल्कुल मिलेगा सर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब ऐसा ब्रेकआउट हो जाए तब मैं बाय करूंगा इसको 421 से, फिर वो स्पाइक करता है बढ़िया 4-5%। सर ये बुलिंजर का जो है वो बीच में से स्पाइक होना चाहिए क्या सर, कैंडल बड़ी होके, या जस्ट टच हुआ तो भी हम एंटर कर सकते हैं? एक बार बुलिंजर ब्रेक करना चाहिए ना मैडम, थोड़ा ब्रेक करना चाहिए। नहीं, एक बार बुलिंजर लगा के दिखाइए सर। देखो ये अभी जैसे लेट मी ऐड द बुलिंजर बाय, जो नए लोग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये लोअर बुलिंजर बैंड है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, और ये अपर बुलिंजर बैंड है। जब अपर बुलिंजर बैंड फायर होगा तब हमको पोजीशन बनानी है। एक बार बताइए जी ने, ये इसको कैसे सेट करते हैं जो थ्री लाइंस है, अपर बुलिंजर लोअर बुलिंजर? ये बुलिंजर इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, इसके तीनों लाइन इसके साथ में आ जाएंगी। अच्छा, आप इसको लगा दोगे ना तो तीनों लाइन एक साथ आपके पास आएंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। सर इसको रन कब करना है, टाइमिंग क्या होगी रन करने की? 3 बजे 3:15 बजे जब आपको रन करना है। ओके, 3:29 को पोजीशन बनाओ, एक बढ़िया स्टॉक ढूंढना, एक या दो बढ़िया स्टॉक ढूंढना और उससे पोजीशन बनाना।
सर एक डाउट है, हाँ? वो कल रिफेक्स डेली चार्ट में देखा तो पता चलेगा REFEX रिफेक्स, वो तो पिछले दिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा था लेकिन कल अच्छा गैप अप में ओपन हुआ है। वो 355 से 426 पे ओपन हुआ है। हाँ तो इसको, तो इसे भाई साहब इसको यहाँ पे एंट्री बनानी थी, यहाँ पे 321 पे तो गया वो 426 तक, यहाँ पे एंट्री बनानी थी आपको। वो एक दिन पहले का उसमें देखे नहीं पता सकते हैं। नहीं नहीं सर, वो क्लियर कट ब्रेकआउट जहाँ पे दिख रहा है ना वहीं पे जाओ एंट्री करने, ऐसे बीच में से कहीं पे भी एंट्री मत करो, फट के बैठेंगे नहीं तो लॉस होगा। स्विंग ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा? सॉरी, स्विंग ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा इसमें? इसमें स्विंग ट्रेड आज हम बाय कर लिए, टारगेट क्या रखेंगे बताते वन बाय वन। ओके सो इसको भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा, देन यू गो एंड सर्च फॉर द नेक्स्ट स्टॉक। मास्टेक शायद मास्टेक डेरिवेटिव में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, डेरिवेटिव में नहीं है। ओके अब आप देखो मास्टेक जो है ये क्या ये प्रीवियस सेशंस को ब्रेक कर रहा है? यस हाँ, तो देखो ये रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था पहले, इससे पहले ओके उससे पहले फिर उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर रिजेक्ट हुआ था, ब्रेक हुआ और साथ में ये जो अपर बुलिंगर बैंड है ये सेम टाइम पे फायर हुआ है, करेक्ट? ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड फायरिंग ऑफ अपर बुलिंगर बैंड सेम टाइम पे, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते थे इस लेवल पर। ये लेवल बढ़िया एंट्री का था, 1825 पे हम एंट्री बना सकते थे कल। और ये कल क्यों इतना भागा होगा, कैन एनीबडी टेल मी? आईटी स्टॉक इसमें था सर। तो ये पूरे लॉजिक पता है कि जैसे आप सीखते जाओगे मार्केट को एवरीथिंग विल बी क्लब। ओके कल आप कॉन्फिडेंटली इसके अंदर में एंट्री बना सकते हैं अगर आपके नजर में होगा तो। क्यों? क्योंकि कल आईटी मिड कैप में मोमेंटम था, टेक महिंद्रा जो लार्ज कैप है, टेक महिंद्रा SCL टेक और कौन सा था वो इंफोसिस, वो भाग रहे थे, आईटी मिड कैप में मोमेंटम था, तो आईटी मिड कैप में सेक्टोरल मोमेंटम था, तो मास्टेक भी आईटी मिड कैप का स्टॉक है तो ये भी ट्रेंड किया कल। तो यहां पर बढ़िया बनती थी पोजीशन, लेकिन मंडे मार्केट के अगर हम देखें तो अभी आरएसआई अपना बाउंड्री के बाहर जा चुका है। अब कितना है? 72 हो चुका है, तो अभी रिवर्सल आने की उम्मीद है। और सुबह सुबह पता है क्या सुबह होगा? ये 70-69 होगा, तब हम एंट्री बना सकते हैं। अभी 72 हो गया, ओवरबॉट हो गया है। और जो नए लोग आए हैं उनको बता दूं RSI 30 मतलब ये होता है ओवरसोल्ड कंडीशन, आपको पता होगा 30 मतलब ओवरसोल्ड, तो डाउन ट्रेंड जो है आपका वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। यहां पर भी RSI 30 मींस ओवरसोल्ड, डाउन ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। ओके तो सर ऐसे तो हम फिर जो जब RSI 30 होगा तो वहां पे स्विंग ट्रेड अच्छा रहेगा ना? हाँ, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, बराबर बराबर बराबर, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, लेकिन आपको बाय ऑन डिप्स करना है, बाय ऑन डिप्स करना है आपको, आप 30 पे जाके बाय करो, खत्म काम। अच्छा जो ब्रेकआउट है वो हमें बिटवीन 60 RSI और 70 के बीच में करना है, राइट? हाँ, RSI शुड बी ग्रेटर देन 60 लेस देन 70। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मोमेंटम ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको वेट करना पड़ेगा बहुत, एक महीना दो महीना 20% के लिए अगर आप बॉटम पे बाय करना चाहते, कब ऊपर आएगा उसी क्या गारंटी, और यहाँ पे एवरेजिंग भी लगती है, 3-step एवरेजिंग लगती है यहाँ पे। अगर RSI 30 पे आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप मान के चलो 300 के प्राइस से 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, अब मान के चलो और नीचे गया हो, फिर RSI फिर गिरेगा, RSI 25 पे आ गया, RSI कितना नीचे जा सकता है जी? वो 5 तक जा सकता है, 5 तक। अच्छा, उसके बाद वो रिवर्सल देगा ही देगा पक्का, लेकिन ज्यादातर स्टॉक जो होते हैं वो RSI, हाँ अगर कोई बैड न्यूज है एकदम बिल्कुल, सरकार ने ईडी की रेड पड़ गई उसके ऊपर, ताले लग गए पूरे कंपनी के ऊपर, तब RSI 5 तक गिर सकता है, लेकिन 10 तक जाता है जनरली, बहुत ज्यादा बैड न्यूज है तो उसके बाद रिवर्सल देना शुरू करता है।
अगर आपने बाई किया आरएसआई 30 पे 100 क्वांटिटी, तो उसको जाने तो कितना नीचे जाता है वो, जैसे ही 10 जाएंगे ना वापस से एवरेज कर लेना 100 या 200 क्वांटिटी डाल के, समझ गया? उसके बाद तो रिवर्सल आना ही आना है फिर। ओके तो ऐसा सोचना पड़ता है मार्केट में। सर एक बात मेरे को और बताइए, जैसे स्टॉक में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विंग करते हैं, अगर हम सपोज करो कि उसको 15 दिन होल्ड करते हैं, तो उसमें टाइम डिके बहुत ज्यादा होगा राइट, तो इससे ऐसा हम स्विंग ट्रेडिंग कर लें किसमें? जैसे मैं बता रहा हूँ सपोज करो कि कोई स्टॉक है उसमें हम वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि अडानी एंटरप्राइज है, उसका हमने कोई ऑप्शन खरीद लिया, जैसे 1500 सी खरीद लिया, एक महीने के लिए खरीद लिया, अगर सपोज क्योंकि वो स्टॉक वहां पे उसका प्राइस मूवमेंट बहुत कम होगा तो मेरा तो बहुत लॉस होगा ना टाइम डिके के कारण, तो इच्छा ऐसा कि हम स्विंग ट्रेडिंग कर लें। हाँ कर सकते हो आप, कौन सा बेटर रहेगा? लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं जो डेरिवेटिव वाले स्टॉक है ना जिनका ऑप्शन है मार्केट में, हाँ, उनमें मैं स्विंग ट्रेडिंग कभी नहीं करता, नहीं करूंगा कभी। इसका सर क्या लॉजिक है? अरे वो मार्केट के अंधभक्त होते हैं। अच्छा, जो डेरिवेटिव ऑप्शन फ्यूचर वाले जो स्टॉक है ना वो निफ्टी 50 के अंधभक्त होते हैं। अच्छा, तो अब पता है आपको निफ्टी एक दिन 100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, अगर एक आज दिन ऊपर जाएगा, अच्छा ब्रेकआउट हो, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो आज उस फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक में, लेकिन कल अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरा तो वो भी गिरेगा चाहे कितना भी अच्छा ब्रेकआउट क्यों ना हो। ओके, लेकिन ये निफ्टी 500 के जो कैश वाले स्टॉक्स होते हैं ना जिनका डेरिवेटिव नहीं है, ये स्टॉक थोड़े आज्ञाकारी होते हैं, इनको लगता है कि अगर मेरा ब्रेकआउट आ गया तो मुझे ऊपर जाना चाहिए। ओके सर, गॉट इट। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर वाले निफ्टी 50 के अंधभक्त होते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है सर, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो ऐसा कोई लिस्ट मिलेगा जैसे हमें पता चल जाएगा किस स्टॉक का डेरिवेटिव नहीं है किसका है? आप सर्च करो गूगल पे। ओके सर, उसी में पता लग जाता है, उसका फ्यूचर लगा लो, पता लगे फ्यूचर नहीं है तो वो कैश में है सर। अरे भाई आप वहां पे सर्च करोगे ना तो आ जाता है, आप जीरो पे सर्च करो लिख के आता है जीरो। सर रोज देखते हैं, ये बहुत ही मतलब नोवी बहुत ही मतलब क्या कह सकते, बहुत क्वेश्चन जो है ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ये सवाल किसी को पूछोगे ना तो बोलेगा आपने ट्रेडिंग करी कि नहीं कभी मार्केट में। ओके सर, ओके। इसमें जो आप दिए थे कंटेनर कॉर्पोरेशन या एसबीआई कार्ड है सब, अब एक कॉन्सेप्ट, अब ये देखो जो लोग बॉटम से बाय करना चाहते हैं, बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, उनको एक चीज मैं समझा दूं, अगर आपका स्टॉक आरएसआई 30 पे है, देखो यहाँ पे आपका आरएसआई 30 पर है, और जब आप देख रहे हो प्रीवियस टाइम पर सपोर्ट कहां पर अवेलेबल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट है स्टॉक का, जैसे ही स्टॉक आपका यहां पर आया सपोर्ट पर आया, उस समय अगर आरएसआई आपका 30 हो रहा है ना तो प्रोबेबली आती है कि रिवर्सल आ सकता है, 90% टाइम रिवर्सल आएगा अगर सपोर्ट पे हो रहा है ऐसा। तो सर वन डे का कैंडल देखने के बाद ही पता चल जाएगा। हाँ दिस इज द सपोर्ट, ओके ये सपोर्ट लेवल है और यहां से आएगा रिवर्सल, ठीक है। तो अगर आरएसआई 30 हो रहा है आपका एट दी सपोर्ट लेवल, जैसे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होता है, यहां पे जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, वैसे ये सपोर्ट लेवल रहता है नीचे का। आपको समझा के रखा है कि जो भी आपके डोजी होते, जो भी आप सीखते हो यूट्यूब के गुरुओं से, डोजी कैंडल स्टिक जो भी आप सीखते हो प्राइस एक्शन, वो सब आप लगा सकते हो एक्सट्रीम पॉइंट पे आप लगा सकते हो, लेकिन बीच में मत उसको लगाना कि यहाँ पे डोजी बन रहा है तो रिवर्सल आएगा, नहीं। ओके अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे जब आपका आरएसआई 30 है आपको लगता है कि रिवर्सल आ सकता है तब देखो ना डोजी बन रहा है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो भी बन रहा है आपका वाला, ओके तब देखो, जब वो रिवर्सल दे सकता है चांसेस बन रहे तब, सपोर्ट पे आ चुका है आरएसआई 30 है, तब आप कैंडल को ऑब्जर्व करो कि कैंडल कैसे बन रहे हैं, आप लोग बीच में ऑब्जर्व करते हो।
बीच में नहीं करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। आरएसआई 70 हो चुका है तब ऑब्जर्व करो कैंडल कैसे बन रहे हैं। ओके ओके सो मूव फॉरवर्ड के ही आए ये देखो यहां पे भी कोई कंडीशन नहीं बन रही स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऐसे मैं चेक करते जाता हूं कि कहां पे बन रही है, कहां पे बन रही है सर। ग्रैंड मार्केट एक मिनट, यहां पे भी नहीं बन रही है, यहां पर भी नहीं, ग्लेनमार्क में बन, सॉरी ग्लेनमार्क। हां ये देखो मैंने आपको बोला ना अभी कि आपको कैंडल कब ऑब्जर्व करनी है जब आपका स्टॉक ओवरबॉट है। देखो ओवरबॉट है ना, ये देखो कैंडल दिख रहे आपको, ये सब है ना, ये रिवर्सल शो करने वाली कैंडल है और फिर एक स्पाइक आ गया यहाँ पे। लेकिन सर सर अभी ओवरबॉट चल रहा है ये पूरा, आप एग्जिट कर लो अपनी पोजीशन। ओके देख डाल सर मैंने पुट की पोजीशन बनाई है। यहाँ पे भी नहीं बन रही है, यहाँ पे भी कोई प्रीवियस सेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके तो ज्यादातर स्टॉक ऐसे ही मिल रहे हैं हमको, तो आपको ढूंढना पड़ता है स्टॉक यहाँ पे कौन सा स्टॉक है जो परफेक्ट बन रहा है, जो परफेक्ट है वो रॉकेट बन सकता है अगले दिन। ये कैसा लग रहा है? ये ठीक है। यस सर। हाँ। ये ब्रेकआउट। हाँ। नहीं। यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल ये है, बराबर? इसको ब्रेक किया और जब देखो अभी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी डे टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, बराबर? ओके। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसी समय अपर बुलिंगर बैंड भी फायर हुआ है। ये देखो ये अपर बुलिंगर बैंड फायर हुआ यहाँ पे, ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन अपर बुलिंगर बैंड फायर है। और आरएसआई कितना है यहाँ पर? 60 है, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं बिल्कुल, है ना? यस सर। हाँ तो ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्विंग ट्रेड बन सकता है मंडे मार्केट के लिए। ये तो रिटेस्ट करने भी तो आ सकता है, सॉरी रिटेस्ट कर भी तो कर सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। रिटेस्ट? अरे ब्रेकआउट हो गया ना, अब कैसे रिटेस्ट करेगा? होगा तो स्टॉप लॉस होगा और क्या होगा? ठीक है, होगा तो स्टॉप लॉस होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? ऊपर गया तो 3-4% ऊपर भी जा सकता है। ओके सर, इसका जो स्टॉप लॉस है वो बाहम पे लगेगा जहां पे रेजिस्टेंस था प्रीवियस? ओके अब देखो मान के चलो हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पर 1160 रुपए से। अब मैं नई चीज बता रहा हूँ, इस बार आप सभी लोग सुन सकते हैं माई। यहाँ पे जो स्टॉक है वो मान के चलो लेने के बाद 2% नीचे गिर गया, कितना? 2% आपकी जितनी क्वांटिटी है, आपको जितनी क्वांटिटी डालनी है यहां पर, ओके उसकी आधी क्वांटिटी डालना है आपको, कितना? ठीक है। आपने मान के चलो यहां पर 300 शेयर बाय करने हैं, ये पहले डिसाइड करना है आपको। 100 क्वांटिटी बाय करना है, 150 ही बाय करना, 150 बचा के रखना, पूरी क्वांटिटी एक ही प्राइस में कभी मत डालना, ठीक है? राइट सर। तो 1160 का 2% कितना हो जाएगा नीचे? 2300 रुपए सर, 23 रुपीज, 11.60 मल्टीप्लाई बाय 2, 1140 का 23 रुपए 20 पैसे। हाँ 23 रुपए 20 पैसे। तो कितना आना चाहिए ये फिर नीचे? 23 रुपए ने 40 में से 3 का 37 रुपीज। 37 करेक्ट राइट सर।
अगर आपने यहाँ पे 150 खरीद के रखे, अगर ऊपर उड़ता है सीधा, तो मैंने टारगेट आपको कितना बोल के रखा है, 2.5%, लेट्स से 2%, टारगेट 2%, ओके। आपने 2% का टारगेट ऊपर की तरफ लगा के रखा है, तो आएगा तो सीधा 2% आएगा आपके पास में, और अगर नीचे गिर गया तो 1137 पे और 150 क्वांटिटी ऐड करनी है, कितनी 150 क्वांटिटी ऑर्डर, एवरेज कितना हो जाएगा सर 23 1148 सर 4849 के आसपास 1148 राइट 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 सर तो आपने बाइंग प्राइस नीचे शिफ्ट कर दी बराबर राइट सर अब आप इसका 2% टारगेट लगा सकते हो या फिर यू कैन गो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2% हियर देखो क्या है ना एक तो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहली बात यहां पे ब्रेकआउट आ रहा है बराबर और अगर हम मान के चलो ब्रेकआउट के बाद में एक आधा रेड कैंडल बन गया तो उसको हमको मैनेज करना है कभी आपने देखा होगा मेरे जो कितने भी स्विंग ट्रेड्स मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूँ वो एक रेड कैंडल दिखाते दो रेड कैंडल उसके बाद फिर स्पाइक करते 5% क्या आपने ऑब्जर्व किया ऐसा यस सर हाँ तो उसको मैनेज करने के लिए ये चीज है अदरवाइज अगर आपको सिंपली करना है तो आप 1160 पे बाय करके 2% का टारगेट लगाओ 1.5% का SL आप लगा सकती हो लेकिन अगर आपको एवरेज करना है तो 2% नीचे गिरने के बाद में आधी क्वांटिटी पहले बाय करनी पड़ेगी वन टाइम यू कैन बाय 300 बुक एट 2% और एग्जिट एट 1.5% SL अदरवाइज आप 150 क्वांटिटी बाय करो नीचे गिर गया 2% फिर ऐड करो 150 क्वांटिटी 1148 पे और फिर इसका 2% टारगेट और 2% SL ये भी आप कर सकते हैं ओके 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 सर अंडरस्टैंड द दिस लॉजिक यस सर हाँ अंडरस्टैंड हो गया होगा देन लेट्स प्रोसीड फर्दर तो आपको ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक यहाँ पे वो मैं ढूंढ के नहीं वो तो मैं यूट्यूब पे जो प्रोवाइड करता हूँ मैं यहीं से ढूंढ के आपको देता हूँ और कोई अलग लॉजिक नहीं है और देखो मुझे 7-8 स्टॉक्स पर डिस्कस करना पड़ता है 3 कम से कम 6 स्टॉक में डिस्कस करता हूँ लेकिन आपको केवल एक या दो ही स्टॉक ढूंढने हैं लेकिन सबसे परफेक्ट ढूंढना फिर आप क्या हम इसको कंसिडर कर सकते स्विंग ट्रेड के लिए नहीं सर नहीं नहीं सर ये सीधा सीधा ही बढ़ रहा है ना और 80 कितना है इसका 85 है बहुत ओवर बॉट है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये यहाँ से रिवर्सल जा सकता है लेकिन सर समटाइम्स ओवर बॉट भी बहुत ऊपर चले जाते हैं नहीं अरे बाबा वो होती होंगी कैसे अपने को क्या करना है उसमें हमको सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग करनी है ना हमारे पास 10 स्टॉक अवेलेबल है उसमें मालूम है ये 2 स्टॉक है इसमें ब्रेकआउट भी है आरएसए भी कम है तो मैं उसको लूंगा ना मेरे पास एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट है उसका आरएसए 88 चल रहा है एक 68 चल रहा है किसको आप लोगे 68 ऑब्वियसली बात है इसको लोगे ना आप इसको थोड़ी लोगे ओके डीएम फाइनेंशियल ये आपको करना पड़ेगा चेक तो एक क्वेश्चन है हाँ पूछिए सर मेरे पास ई मुद्रा है उसका आरएसआई मतलब ओवरसोल्ड हो गया स्विंग ई मुद्रा 200 क्वांटिटीज नहीं ओवरसोल्ड नहीं ओवरबॉट हुआ ये हाँ सर ओवरबॉट हुआ सॉरी मैडम ये फटने वाला है अभी आरएसआई 92 हो गया इसका हाँ सर तो उसको सेल कर देना चाहिए ना अभी हाँ बेच के निकल जाओ मंडे को और मुझे लगता है मंडे को ये गिर जाएगा 4-5% हाँ सर 13% का है वो आपने बाय कितने में किया इसको 354 हाँ तो ये बढ़िया चल रहा है अभी आप इसको बेच के निकल जाओ ना तो फट जाएगा ये मंडे को 5% ओके ओके सर थैंक यू ऐसा ही हुआ था आरएसी में याद है क्या आरआरसीटीसी में
हाँ सर ऐसे ही बात, उसको 4000 तक लेके 6000 तक लेके गए थे आरएसआई बिल्कुल 95, मेरे को मालूम था वो फटेगा अभी, मेरे को ऐसा गिरा बाद में जबरदस्त बिल्कुल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। ओके जेएम फाइनेंशियल क्लियर कट ब्रेकआउट है, राइट आपको दिख रहा है यहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक है, ये ब्रेक है और अपर बुलिंगर बैंड देखो वहीं पे फायर हुआ जहां पर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था। तो लाइव मार्केट में ये बढ़िया बनता था लेवल, यहां से बढ़िया लेवल बनता था 66 पे, उसके बाद ही 68 गया और आरएसआई का वैल्यू अभी 70 है, तो 70 को कंसिडर करा जा सकता है, यहां पर हम ले सकते हैं। और किसी को बाय ऑन डिप्स करना था तो 60, ये देखो यहां पर ओवरबॉट सोल्ड था, यहां पर एंट्री बना सकते थे आप। नेक्स्ट डे करना है कि उसी दिन बाय कर लेना है, जैसे मंडे को मैंने स्टॉक देखे तो मंडे को लेना है कि ट्यूसडे को नेक्स्ट डे लेना है? नहीं दोपहर को 3:29 पे। ओके सर। सर अगर आपको और बड़ा मोमेंटम वाले चाहिए, आपको मतलब ऐसा चाहिए बिल्कुल 10% मोमेंटम करने वाला, तो आपको वो कैश में मिलेगा, कैश में जैसे इन्होंने रेफेक्स देखा था इन्होंने 20% के बाद शांति ओवरसीज है तो कॉर्स केबल है, तो आप इनको भी जाके चेक कर सकते हैं कैश के स्टॉक को। ये देखो ये प्रीवियस को ब्रेक किया था और देखो यहाँ पे ये लाइव मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो, देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये मॉर्निंग में हुआ है और अपर बुलिंगर बैंड भी यहाँ पर फायर हुआ था, उस समय आरएसएस का होगा 68 वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये 15% बढ़ गया एक दिन के अंदर, यहाँ पे आप बाय करते 85 पे 93 पहुंच गया बाद में, तो स्टॉक मिलेंगे आपको यहाँ पे कैश में या फिर निफ्टी 500 में, जिसको आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर कोई इंट्राडे की स्ट्रेटजी बताइए ना, वो नेक्स्ट वीक बताएंगे अभी नहीं। इसका सर एंट्री कितना बजे लेना? 3:15 में 3:29 3:29 पे एंट्री लेना। हाँ मार्केट बंद होने से कुछ सेकंड पहले और नेक्स्ट डे 9:30 में सेल कर देंगे। हाँ मतलब जैसे ही आपका टारगेट हिट हो रहा है वैसे ही, ठीक है। 3:15 से सर्च करना शुरू करेंगे ना? सॉरी 3:15 में सर्च करेंगे, 3:29 तक ले लेंगे? नहीं 3:29 सर आप BTS की कॉल भी देते हैं क्या? नहीं वो YouTube पे देता हूँ मैं, YouTube के स्विंग ट्रेड मैं ज्यादातर YouTube पे जो स्विंग ट्रेड देता हूँ ना वो अगले दिन स्पाइक कर जाते हैं 4-5%, तो वो स्विंग ट्रेड ही बन जाता है। स्विंग ट्रेड BTS की वाला सेम थिंग। सर बाय कैसे करेंगे सर आप जब YouTube पे शाम को दोगे तो बाय तो फिर अगले दिन ही होगा? वो तो सही है सर, बाय तो नेक्स्ट डे ही होगा ना फिर वो, अगर आप जो YouTube को शाम को दोगे तो अगले दिन। अरे बाबा ये हम आपको सिखा रहे हैं कैसे ढूंढना है, ये जो स्विंग ट्रेडिंग में अप्रोच में आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको लाइव मार्केट में करना है 329 पे। सर एक डाउट था, इतना बताने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होगी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक ढूंढने में? नहीं सर नहीं, अब नहीं होगी सर। हाँ यहाँ पे कई लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं जो मैंने सिखाया उससे। देखो डरोगे ना सर, डरने से कुछ नहीं होगा, खाली मार्केट में लॉस होता है डरने से। हेलो सर, वन थिंग यू रिमेम्बर द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं करना है, एवरेज करो आधी आधी क्वांटिटी लेके। बंद करूं थोड़े मिनट सर। हेलो हाँ बोलिए। सर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट है ना, चैटिंग में डाल रहा हूँ मतलब, तो फिर उसमें ना 60 स्टॉक दिखा रहे हैं मुझे, ऊपर स्टॉक नहीं दिखा रहे, 20 नहीं दिखा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर बहुत बड़ा ट्राई किया मैंने, मैं आपको दिखाऊं ऐड करके? हाँ हाँ एक बार दिखाऊं। कहाँ पे रखी है वो फाइल?
एक मिनट मेरे पास पड़ी है क्या वो फाइल सीएसवी में अपलोड करनी है सर सीएसवी एक मिनट हाँ सर ये नॉन डेरिवेटिव वाला निफ्टी 500 में नॉन डेरिवेटिव वाला एक फाइल भेजा था सर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे है ना हाँ यही होनी चाहिए ठीक है देखो ये चूज फाइल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ठीक है आ तो गए सर सारे के सारे 28 स्टॉक हाँ बट उसमें ना सर वॉचलिस्ट में अगर इस पे जाओगे ना तो फिर 16 स्टॉक के दिखा रहे थे मुझे कहाँ पे मतलब जो यहाँ पे तो दिखा रहे हाँ बट अगर वॉचलिस्ट में जाओगे ना तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा ना क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आएगे वो आप कहाँ पे स्कैनर पे बोल रहे हो क्या जब ये स्कैन स्कैनर क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए ना सर क्राइटेरिया फुलफिल होगा ना तभी दिखेंगे ना वो आपने डाल के रखे क्राइटेरिया फुलफिल कैसे दिखेंगे ओके ओके बराबर मैंने आपको मैसेज भी किया है कि अगर फुलफिल होगा तो ही आएगा वो अभी मैसेज भी डाला आपको ओके 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 एवरीबॉडी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओके सर एक सवाल करना था सर 1000 रुपया वो आपकी फीस भेजनी है उसके कौन से अकाउंट में डालने पैसे सर एएमसी के लिए मैंने लिंक डाला है ना यहाँ पे देखो सर मैंने देखा नहीं मैं एक्चुअली मैंने बोला था ना गैजेट्स मेरे को कम चलाने आते हैं मैं बच्चों से डलवा दूंगा ओके सर देखो ये लिंक है सर ओके हाँ ये लिंक पे आपको ज्वाइन करना है और लास्ट डेट थी मंडे तक के आज कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है हो जाएगा करवा दूंगा सर सर मेरे को करने नहीं आते थे बच्चे आएंगे तो मैं बस करवा दूंगा हाँ ये लिंक है यहाँ पे डाल के रखिए ग्रुप में इस पे आपको करना है ठीक है ओके ओके सर एक चीज और पूछ क्या चीज के लिए आपको गूगल पे जीपे करना आता है तो वो नंबर आपको पता होगा 774999 वाला ठीक है सर बोलिए बोलिए नंबर बोलिएगा ये देखो ना पब्लिक ग्रुप में आप हो गया हाँ सर ये नंबर इसके ओआर से भेज दूं सर ये 53 नंबर ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन के ग्रुप में आप है क्या हाँ सर है हूँ 774999511 यहाँ पे आप जीपे फोन पे कर सकते हैं ठीक है सर ओके यहाँ पे आप कर सकते हैं ये किस चीज के लिए सर ये एनुअल मेंटेनेंस फीस है एक बार लगती है साल में ये उनके लिए जिन्होंने 31 मार्च से पहले ज्वाइन किया था सर एक क्वेश्चन सर सर मार्च के पहले वो कोर्स के लिए 3000 आई थिंक 3000 वो पे करें तो वो अभी पे करना सर मार्च से 31 मार्च से पहले मतलब 30 मार्च है उससे पहले ठीक है जिन्होंने मार्च के बिफोर मार्च के बिफोर 3000 फीस है जी सॉरी मार्च के बिफोर 3000 फीस हाँ अभी पे करना चाहिए नहीं 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 वो लाइफ टाइम के लिए है ओके ठीक है आपने ज्वाइन कब किया था हाँ पे लाइफ टाइम के लिए सर नहीं कब ज्वाइन किया था आपने राइट सर थैंक यू व्हेन डिड यू ज्वाइन आई एम आस्किंग सर मैंने दिसंबर पे ज्वाइन किया है 2023 तो मैं 22 हाँ तो मैं मुझे भी देना पड़ेगा क्या हाँ एनुअल मेंटेनेंस फीस है हर साल मई महीने में लगेंगी ये That is 1000, okay? Only 1000 rupees per year. हाँ 1000 per year, okay? हाँ पर, okay sir. उसमें आप unlimited classes attend कर सकते हो और $3000 का payment जो होता है वो one time होता है, okay? That you already paid, but ये annual maintenance fee ये हर साल मई महीने में pay करनी पड़ती है, okay? किसके लिए? Sorry. आपने कभी कोर्सेस अटेंड किए हैं बाहर हमने 3000 पे किया नहीं नहीं आपने पे किया कब पे किया आपने पे कब किए हैं ज्वाइन कब किया 31 मार्च से पहले ओके यस सर ओके Everything is okay. ठीक है आपको ये नंबर पे आप कर ये गूगल पे का नंबर दिया हो या फिर आप ये लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है सर हो जाएगा okay. सर हो जाएगा
ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक थैंक यू सर एक छोटा सा कहना था सर वो ये चार्ट लिंक का प्रीमियम अगर प्रीमियम लेना है हमें तो सर आप कंपनी वाले से करके बात करके हमें दिलवा दो ना सबको अरे सर, सर कोई मेरी कंपनी थोड़ी है सर वो एक्चुअली नहीं मेरी पहचान नहीं है सर यहाँ पे कोई मेरी पहचान नहीं है यहाँ पे प्रीमियम है प्रीमियम पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ ज्वाइन प्रीमियम करके ऑप्शन रहता है आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन खत्म काम सर वो 780 रुपए कितनी देर के साल के है एक महीने के लिए एक महीने मंथली 750 रहता है उसका तो साल का हम साल का ही ले लेंगे ना सर जिसने रोज करना उसे क्या दिक्कत है हाँ साल का कुछ उनका 7,500 या 6,000 है कुछ 6,000 रुपए ठीक है सर सर वैसे चलो मैं बच्चे आएंगे मैं करवा लूंगा सर ओके 8,500 ओके 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 सर ओके सर ओके गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आपके पास मेरा नंबर है राजीव जी हाँ सर है हाँ तो आप मुझे कॉल करिए मैं आपको समझाता हूँ ठीक है सर ओके 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 सर थैंक यू